गांव के पंचायत के सामने बुलाओ उस लड़की को। ए, तमीज से खड़ी रह, लहरा नहीं, अदब से बन। अरू कहाँ है गांव का जीवन बर्बाद करने वाले, वो बारूद के पोटले। चुप 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 राधा। नहीं नहीं कमाल है, कोई लेता ही नहीं। चुप। वाह वाह जमुना दास जी, आपके पास भी कोई काम नहीं है क्या? ये इन महान लोगों के लिए पंचायत बुलाई है। तुम चुप करो भाई जी, तुम कहा चाहते हो लफंगों की टोली को माफ कर दें, क्योंकि इसमें हमारी बेटी शामिल है। ना ही ऐसा नहीं होगा, नहीं तो गांव वाले हमारे बारे में कहा सोचेंगे। क्या सोचेंगे मुखिया जी, गांव वाले तो पहले ही छाती पीट पीट कर चिल्ला रहे हैं कि तुम्हारी बेटी और मेरे हरामखोर लौंडे ने गांव वालों का जीना दुश्वार कर दिया। हाँ पंडित जी, आपकी सुनहरी टोली से कहाँ शिकायत है, आइए। देखिए 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 क्या कर रही। कुछ नहीं, सीधे खड़े रहे, सीधे खड़े रहे। खुजा रही थी और क्या। क्या हुआ मुखिया जी, कल ये चारों मेरे मंदिर में आए और बड़ी शराफत से प्रसाद मांगने लगे। मैं पूजा की थाली वहीं रखकर प्रसाद लेने के लिए अंदर चला गया। मुखिया जी पूरे 25 रुपए थे थाली में, वापस आकर देखा तो न रुपए मिले, न थाली मिली और न ये चारों महापुरुष, सब गायब। झूठ बोल रहा है। तेरी की। पुजारी जी, मैंने तो काली 2 रुपए लिए थे और थाली पेड़ के नीचे रख दी थी और वो थाली राम उठा के ले गया। विश्वास नहीं आता तो राम को बुला के पूछो, सारा इल्जाम हम पे मत डालो। बहुत बोलने लग गया है, इंसानों का सत्यानाश तो किया किया, अब भगवान का भी सत्यानाश करने लग गए। मालूम नहीं कि मंदिर में डाका डालना चोरी करना पाप है, और वो आरती के 25 रुपए अपने दद्दा का माल समझ के कहाँ खर्च कर डाले। ए! दो पिलम देखा, हिम्मत वाला परजर कानून। हिम्मत वाला, तू घर चल, मैं तेरी सारी हिम्मत निचोड़ कर निकालता हूँ और दिखाता हूँ कि मेरा फर्ज और कानून क्या। घर पे क्यों हर बार यही बात कहकर पंचायत से बच्चों को घर ले जाते हो कि उनकी पिटाई करोगे? पता नहीं घर ले जाकर उनकी पिटाई करते हो या उनसे लाड़ करते हो। बिल्कुल ठीक, जो सजा देनी है अभी दे लीजिए। परसों ये चारों मेरे कपास के खेत में घुस गए और सारे खेत का सत्यानाश करके रख दिया। पूछे इनसे। क्यों रे, तुम लोग कपास के खेत में गए थे? हम लोग आम के खेत में जाना चाहते थे, इसलिए कपास के खेत से होकर जाना पड़ा। वहाँ हमने देखा कि ये एक औरत के साथ पता नहीं क्या क्या कर रहा है। हुश हुश हुश, कौन थी वो कुंडी? अरे वो तो, अरे वो तो, अरे अरे वो तो, वो क्या कर रही है? मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, क्या कर रही है तू? अगर हम लोग इस तरह बच्चों की शरारतों की छानबीन करेंगे तो हम सबकी पोल भी खुल के रह जाएगी। आप खामोश रहिए वैद्य जी, सारी शरारतों की जड़ ये बच्चे नहीं, मुखिया की बेटी राधा है। तुम्हारे बेटे तो बड़े भोले है ना, रोटी को लोटी और पानी को मम्मम कहते हैं। अरे ये तो इतने बदमाश हैं कि जूते पहने हुए आदमी के मोजे चुरा ले और उसे पता ही ना चले। देखा तुम्हारी बेटी कैसी ढीठाई से बात कर रही है। अरे तो कहा कर रही है, सारा इल्जाम उस पर डालेंगे तो जवाब नहीं देगी का? हम इल्जाम लगा रहे हैं, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि दोष सब इन बच्चों का है, तुम्हारी बेटी तो सती सावित्री है। देखो भाई जी, बिटिया के चरित्र पे को बट्टा लगाओगे तो खून की नदियां बहा डालेंगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे बच्चों के सामने तुम दोनों इस तरह लड़ोगे तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? हम एक सुझाव दें, इन बच्चों की शरारतों से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, वो गांव का बंद पड़ा हुआ स्कूल शुरू करवा दो। अरे पर स्कूल के लिए मास्टर कहाँ से आएगा? वो की चिंता नहीं करो, अमरजी लेके भेजे शहर में, एक आध रोज में मास्टर आ रहा है। मास्टर आ रहा है, चलो चलो भाग चलो। हट बुला ले। 25 रुपए आज नहीं छोड़ेंगे, आज तो कमा डालेंगे। अरे रे क्या कर रहे हो?
हो, छोड़ो इसे। तुम चुप रहो, आज हम इसकी टंगड़ी तोड़कर लंगड़ी बनाते हैं। हल्ला मार के बच्चों के साथ मत खेल, गुड़ी जितनी होगी बच्चों के साथ खेलती है। मुझे बच्चों के साथ खेलने में मजा आता है, खेलूंगी मैं जरूर, खेलूंगी। इसे पैदा करने के बजाय किसी पत्थर को पैदा किया होता तो पिछले के काम आता। तुम चुप करो, आप नहीं छोड़ेंगे। यही क्या कर रहे हैं, बस करो, जा बेटी तुम अंदर जा। क्या कर रहे हैं जमुना दास जी, बेटी जात को गाय भैंस की तरह मार रहे हैं, अभी बच्ची है। ये बच्ची है? अरे खड़े खड़े बीच बाजार में हम लोग को बेट डालेगी पता नहीं चलेगा, असली लुच्ची है। तुम कहते हो बच्ची है? कुछ भी हो, बेटी जवान हो गई है। अगर कहीं उल्टा सीधा लग गया और वो लूली लंगड़ी हो गई तो मैं कहता हूँ कौन ब्याहेगा उसे। इतना भी कभी सोचा है? आप ही इनको समझाइए चाचा जी, ये मुझे डंडे से मारते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो। आजकल एक से एक अच्छी लड़की घर में बैठी है, उसको रिश्ता नहीं मिलता, जो आता है दहेज मांगता है। जरा इनसे पूछो मेरे लिए दहेज जमा किया है या मुफ्त में डंडा घुमाते रहते हैं। सुन लिया, तुम कहते हो बच्ची है, कैसे मोटे मोटे शब्द इसकी जबान से टपक रहे हैं, सुन लिया ना? अरे बेशरम, हमारे सामने अपनी शादी की बात कर रही है तू। अच्छी इसके मुंह क्यों लगते हो, मेरा कहा मानो तो जल्दी से कोई अच्छा सा दामाद तलाश कर लो। अरे तलाश करने की क्या जरूरत है, वो लंबा वाला नहीं है, वो जो मिलिट्री में काम करे था भूतनाथ, उसे इसकी शादी करा दो, वही परेड कराएगा। भूत परेड अपने पास ही रखो, मुझे कोई मिलिट्री वेटरी वाला नहीं चाहिए, अपने बिरादरी से बाहर का लड़का चाहिए। हाँ कहे, अपनी बिरादरी का लौंडा तेरे चेहरे पे जचता नहीं है का? एक बार ना बोल दिया तो ना बोल दिया। दूसरी बात ये है कि हमारी जात में कोई ऐसा मर्द दिखाओ जिसने एक बीवी होते हुए दूसरा घर ना बसा रखा हो। क्या 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 ढूंढ रहे, दूर क्यों जाते हो, खुद को ही देख लो, तुम हर शनिवार बालमपुर क्यों जाते हो, मेरी माँ की स्वतंत्र। भाग गई, आज मार मार के तोरी सकल जूते जैसी बना दूंगा, आएगी ना जब भूख लगेगी, तोरी बॉडी नोच के तोरे मुंह में ना ठोस दिया तो मैं तोरा बाप नहीं। रूपा की दुकान का फूल फूल नहीं, लो चुम्बक, हाई लो चुम्बक। यह है ना, जब भी डाल के मरद के सामने जाएंगी ना बाल में डाल के, ऐसा इतना के जरा जाना तर लो चुम्बक की तरह खिंच के आ जाएगा। ये ले ले ला, ए जब तेरा काम हो जाएगा ना तर फिर आना, दूसरा गुर बताऊंगी चाचा। अरे तीन चाय लाना। अरे तीन चाय दे, 120 नंबर। ए पुजारी, गिलास भर चाय है, बाल्टी भरनी, कब तक चाय पिएगा? बहुत गर्म है, जरा आराम से पी रहे हैं। अरे तू चाय दे 120 नंबर, चल। अरे चाय है कि अन्याय है, लोग शक्कर मिलाते हैं, पत्ती मिलाते हैं, इसमें तुमने मक्खी मिला के रखी है, कौन पिएगा ये? हाथी तेरे गले से उतरेगा नहीं, नहीं तो हाथी भी डाल देता, चाय पीने तो एक दूंगा। साला क्या मजबूरी है, इस गांव में पांच पांच भगवान के मंदिर है मगर राक्षस का एक ही होटल है। क्या अच्छा है, अच्छा है। अरे गोरा गोरा मोगरा ले जी, अरे मोगरा ले जी, अरे गुलाब गुलाब गुलाबी, अरे ले जी मोगरा, अरे पंडित जी ए, तेरी चोटी संभाल, ऊपर नीचे होती है ऊपर नीचे। अभी का है ऊपर नीचे होता है? अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं देवी जी, जरा गर्मी में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, गड़बड़ है थोड़ी गर्मी में। अरे चाय तो इतनी गर्म मेरे बाप ने नहीं पी, हमारे जमाने में जो चाय बनती थी ना बेटा, जरा सलीका था, उसमें शक्कर डालते थे, ऐसे थोड़ी की हाथ में पकड़ा देते थे। इस साली गुलाब की कली मिश्री की डली कब तक फूल बेचकर अपना गुजारा करेगी? तर और क्या बेचूं? अरे साली मैं तुझे बेचने दूं तब ना, तू अपन के साथ आ जा, अपन तुझे दाल रोटी पूरी भाजी की तरह एक कर देगा। अरे जा अरे कालिए, एक दाएं हाथ का ऐसा लाफा मारूंगी ना कि बत्ती से निकल कर बाएं हाथ में आ जाए। साली आज तक इस गांव के अंदर ऐसा कोई मर्द पैदा नहीं हुआ जो आप तुमको हाथ लगाए क्या? शिव 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 शिव, एक अबला नारी पर हाथ उठाते हुए तुझे शर्म नहीं आती काली? चल बे पुजारे, विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक ब्राह्मण पर हाथ उठाता है? मैं कहता हूँ मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ, तुझको जला के खाक कर दूंगा। जय चामुंडी जय चामुंडी जय चामुंडी। साले ये तो कचरा है, भगवान शंकर की भभूति को कचरा कहता है? चामुंडी इसका कूड़ा कर दे। मेरी दुकान के सामने हल्ला न करो, चलो जा उधर। तू बाहर आ, दुकान के बाहर आ, साले को लाफा दूंगा। तू बाहर आ बेटा, जा रे पंडित, भगवान शंकर इसका कुंडा कर दे। वाह 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 वाह, बिना मांगे भगवान ने क्या वरदान दिया, एक बारी और धक्का मारो। बकवास करेगा तो दांत तोड़ दूंगी। हां ए साली छोकरे, अब तक इस गांव में ऐसा कोई मर्द पैदा नहीं हुआ जो अपन पे हाथ उठा सके क्या? साली तूने मुझ पर हाथ उठाया? तुझ पर हाथ उठाने वाला मर्द शायद पैदा नहीं हुआ लेकिन लड़की पैदा हो चुकी है उल्लू। ए साली छोकरी, अपन तुझे नहीं छोड़ेगा।
क्या झापड़ मारा है? मंदिर में घंटी की आवाज की तरह ये आवाज भी गूंज रही है। तेरी जात का भेजा मारू पुजारी। उल्लू के पटे पुजारी, साले भाग कर जाएगा कहाँ? कल जब अपू उनकी दुकान में नाश्ता खाने आएगा तब अपन। राधा राधा, ये क्या? अरे क्या हुआ, तुम दोनों उदास क्यों बैठे हो? अरे बुरे दिन आ गए, आज स्कूल में नया मास्टर आने वाला है। तो क्या हो गया, उसे तो कैसे भी करके भगा देंगे, लेकिन मेरी समस्या कौन हल करेगा? तुम्हारी समस्या, वो क्या है? मेरे पिताजी मेरी शादी करना चाहते हैं, इसलिए मैं परेशान हूँ। क्यों, तुम शादी नहीं करना चाहती? नहीं, शादी तो जरूर करूंगी, लेकिन लड़का मेरी पसंद का होना चाहिए। हाँ क्यों, तुम्हारे परिवार में तो बहुत सारे लड़के हैं। छी छी, उनका नाम ही मत लो, हर एक की दो दो औरतें हैं। मुझे तो ऐसा पति चाहिए जो सिर्फ मेरे लिए हो, इसके अलावा और भी बहुत कुछ होना चाहिए। और भी बहुत कुछ मतलब क्या? अरे साफ साफ बताओ। हाँ बताओ ना राधा, तुम्हें कैसा पति चाहिए, हम सब मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। हरी शर्मा अमर, बोलो तुम्हें कैसा पति चाहिए?
मतलब क्या? देखना उसकी कोई दूसरी ना हो। अरे कम खम वाला बल्ला मत वाला, चाहिए मुझे पिया प्यार करने वाला, मीठे बोल वाला, जगा दे दिल में ज्वाला, सहेलियों से अपना दिल जाए ना संभाला, जवान जिसे देखे तो जल जाए। हाँ दे रहा हूँ भैया, ठहरो। लाओ 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 लाओ, जल्दी करो। हाँ अरे वो बच्चे की बास्केट कहाँ है? बच्चे की बास्केट। हाँ वो भी दे रहा हूँ। हाँ इधर लाओ, इधर लाओ, ये पकड़ो। अरे बच्चे की टोकरी लाओ। टोकरी भी दे रहा हूँ। बच्चे की टोकरी। हाँ लो, धन्यवाद। तो पीछा छोड़ो हमारा। अरे आगे बस को नदी पे रोकना, बच्चे ने पूरी सीट गंदी कर दी है पीछे, उसे साफ करना है, जाने दे। सुनिए गंगापुर गांव यही है? नहीं नहीं ये गंगापुर नहीं, धर्मपुर है, सीधे जाइए उधर है गंगापुर। धन्यवाद जी। तिलू हाँ? ये तो अजनबी लगता है और हमारे गांव की तरफ जा रहा है, जरा मालूम तो कर कौन है, जा। अच्छा बाबू जी। हाँ? टाइम क्या है? देखता नहीं दोनों हाथ बंधे हुए हैं, एक हाथ में बच्चा है एक हाथ में सामान है, खुद ही आके देख ले इस तरफ से। अच्छा ओहो 40 मिनट चार बजकर। ओहो चार, अरे 8:20 हुए हैं, अभी अभी तो मैं बस से उतरा हूँ, क्या घड़ी देखने नहीं आती? वो क्या है कि उधर से उल्टा दिखता था। बाबूजी इस तरफ कहाँ जा रहे? क्या बात है जवाब नहीं देते? और कितना इंटरव्यू लेगा तू? मैं इस गांव के मुखिया से मिलने जा रहा हूँ। मेरे पिताजी से मिलने? क्यों? ये तो मैंने पूछा नहीं। कहीं हमारा रिश्तेदार तो नहीं? सुनिए आप मेरे पिताजी को मिलने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं इस गांव के मुखिया से मिलने जा रहा हूँ। अरे बाबा मेरे पिताजी ही इस गांव के मुखिया हैं। अच्छा? हाँ। बताइए आप हमारे किस तरफ के रिश्तेदार हैं, माँ की तरफ से या बाप की तरफ से? किसी भी तरफ से नहीं, मैं इस गाँव में रहने आओ इसलिए मुझे मकान की जरूरत है, सोचा कि तुम्हारे पिताजी इस गांव के मुखिया हैं, मकान दिलाने में मदद कर देंगे। अच्छा 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 समझ गई, लाओ ये सामान मुझे दे दो मैं ले चलती हूँ। बिल्कुल नहीं। अरे बाबा आप क्यों इतना घबरा रहे, आप हमारे गांव के मेहमान हैं, क्या हम आपकी इतनी सेवा भी नहीं कर सकते? अच्छा ये बात है तो ले लो। ले पकड़। ये अपना बच्चा है? अपना नहीं मेरा बच्चा है। हाँ हाँ मेरा भी वही मतलब था, लेकिन इसकी माँ नहीं आई? अच्छा अच्छा बाद में आएगी, जब तुम्हें मकान मिल जाएगा, खटिया लुटिया बर्तन वगैरह जब तुम खरीद लोगे तब आएगी ना। कोई बात नहीं आराम से आने दो, जल्दी क्या है। ले 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 ले, चुकु 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 चुकु, कितना प्यारा बच्चा है। आखिर बच्चा किसका है? मेरा। लेकिन मुझे शक हो रहा था इतना प्यारा बच्चा आपका कैसे हो सकता है। क्या बकबक किए जा रही हो, कितनी दूर है गाँव? और आधा बाकी है। आधा बाकी क्या मतलब? जी मेरा मतलब है आधा रास्ता आगे है और आधा बाकी है। जी एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आप इस गांव में क्यों आए हैं? मैं एक टीचर हूं और इस गांव के बच्चों को पढ़ाने आया हूं। हाँ? आपको ऐसा नहीं लगता कि मास्टर की नौकरी के बजाय आप सब्जी या तरकारी की दुकान लगा ले तो बेहतर होगा? आपके विचार बहुत ऊंचे हैं, उस पर हम जरूर गौर करेंगे। जी मैं तो आपको चेतावनी दे रही हूँ, इस गांव के लड़के बहुत ही शैतान और लुच्चे हैं, आप उनके सामने जरा भी ढीले पड़े तो वो आपके सर को सिल बनाकर उस पर मसाला पीस डालेंगे। अगर मैं ढीला पड़ा तो ना, अरे मैं बहुत कड़क आदमी हूँ, मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। अरे मेरा सामान का क्या कर दिया? अरे गधे कहीं के, अरे ये लो 120 नंबर चाय, जल्दी पियो। शिव 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 शिव, ये क्या है? ए पुजारी क्यों कुत्ते की तरह भौंक रहा है? ये क्या
ये क्या है? अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये देखो, उस दिन चाय में से मक्खी निकली थी, आज तुम्हारी चपाती में से ये 1.5 फुट का बाल। ये आदमियों के खाने की जगह है कि जानवरों के? जानते हो ये किसका बाल है? ये किसका बाल है? रूपा। पापा। रूपा पापा? हाँ, कल रात वो मेरे होटल में आई थी। रूपा तुम्हारे होटल में? वो क्या करने आई थी? हाँ, ये क्या? चपाती बनाने आई थी। और चपाती ये किसी का बाल है? ये रूपा का बाल है? हाँ। ये पापा? अरे रूपा की हर छुई हुई चीज में खा सकता हूँ। ये बाल क्या? ये चपाती क्या? ये केले का पत्ता क्या? और ये हाथ? ये मानव गोश्त है, मैं पुजारी हूँ, मैं ये नहीं खाता। हट। रूपा, रूपा, साला पागल। रूपा तो पापा। नरेश। हाजिर जनाब। रामगोपाल। हाजिर जनाब। भोलू। हाजिर जनाब। बलवंत राम बाल विनायक शिव शंकर लाल तू का राम। मैं हूँ मास्टर जी। अबे नाम तो बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन लड़का दिखाई नहीं दे रहा, कौन है? मैं हूँ मास्टर जी। आपके वो दूसरे दो कदरदान, खानदान, पानदान, शहनशाह आलम कहाँ है? त्रिमूर्ति, आज पहला दिन है इसलिए माफ किए देता हूँ, बैठ जाओ। पहली दूसरी और तीसरी क्लास के विद्यार्थी सब एक साथ बिठा दिए गए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि दूसरी क्लास के विद्यार्थी कितना जानते हैं। सबसे पहले मैं हिसाब की जांच करूंगा। अच्छा बताओ, चार और चार कितने होते हैं गोपाल? चार और चार आठ। आठ? अरे चार और चार एक आठ होते हैं, ये दो आठ की आवाज कहाँ से आई? अच्छा ये बताओ, पांच और तीन कितने होते हैं? पांच और तीन पांच और अभी बुद्धू आठ। अबे बुद्धू आठ। अबे बुद्धू आठ। बुद्धू? हाँ बुद्धू, तुमने मुझे बुद्धू कहा? हाँ तुम चुप। मैं तो तुझे कल ही सबक सिखा देता। इतनी बड़ी हो गई, ताड़ के पेड़ की तरह लंबी, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते, आवारागर्दी करते, शर्म नहीं आती, और आज मेरे क्लास में घुस आई। मास्टर जी, मैं हमेशा इन बच्चों के साथ खेलती और घूमती रहती हूँ। अब ये स्कूल आने लगे तो मैं अकेली पड़ गई, ना कोई बात करने वाला ना कोई खेलने वाला, इसीलिए यहाँ चली आई। अगर आप कहें तो मैं इनके साथ बैठ जाऊँ। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती। तुम क्या इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? ये क्या बात करते हैं मास्टर जी, मैं क्यों इन बेचारों का जीवन बर्बाद करूँ? मैं तो आपसे आज्ञा चाहती हूँ, अगर आप हाँ कहें तो मैं चुपचाप यहाँ शांति से बैठ जाऊँ। बस चुप हो जा बेटे, मेरा राजा बेटा। कितना अच्छा लड़का है, मुंह में रखते ही बंद कर दिया रोना। चुप। मुंह में रखते ही बंद कर दिया, चलो जा, चल। मैं क्या आपके गोद में बैठने को कह रही हूँ जो आप इतना भड़क रहे हैं? आपका बच्चा क्लास में झूले में सो सकता है, मगर मैं बेंच पर नहीं बैठ सकती। बैठने दो ना मास्टर जी, आपका क्या जाता है? तू चुप रह रहे। आप निकलो जी, चलिए। हाँ चल जा। भगवान तुम लोगों पर रहम करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम लोग कुछ अकल की बात सीख सको। चलना जाना। देखो बच्चों, सबसे पहला सबक जो है, तुझे शर्म आया है कि नहीं? तू क्या समझती है स्कूल है या धर्मशाला? आइंदा आई तो हाथ पांव तोड़ डालूंगा। अरे ठहरो ठहरो, अरे अरे देख बेटा, अब मैं खाना बनाने की तैयारी में हूँ, बिल्कुल रोना नहीं और चुपचाप वहाँ खेलते रहना। अरे उस तरफ नहीं जाना, वहाँ चींटियाँ हैं लाल, लड़ जाएंगी तो तकलीफ होगी, ऊपर से तूने चड्डी नहीं पहनी। अरे ये क्या कर दिया? अरे भाई तू वहाँ बैठा था और तरकारी यहाँ रखी है, क्या बराबर सुसु का निशाना लगाया तूने, खराब कर दिया ना सब कुछ। खैर बेटा तो अपना है, कोई बात नहीं, बाप बेटे में गंदगी किया और सफाई किया, अब कौन उठेगा साफ करने के लिए? इसे यूं ही पोंछ देता हूँ और डाल देता हूँ। राधा राधा, टिलू के पास 5 रुपए, चलो चल के सिनेमा देखते हैं। 5 रुपए? टिलू तेरे पास 5 रुपए कहाँ से आए? मेरे बाप की कोपड़ी में भेजा तो है नहीं, 5 रुपए का नोट देकर बोला जा रहे 10 पैसे की नसवर लेकर। मैं थोड़ी देर बाद घर वापस गया और बोला 5 रुपए का नोट
चलो जल्दी चलो, सिनेमा में देर हो। अरे वो सिनेमा तो रोज देखते हैं, मैं दूसरा उससे भी शानदार सिनेमा देख रही हूँ। जानते हो नाम क्या है? क्या क्या? बावर्ची। बावर्ची। मास्टर जी अपने घर में औरतों की तरह खाना पका रहे हैं, चलो चलकर देखते हैं। अरे देखने से क्या फायदा, जरा खाके भी तो चखना चाहिए। चाहिए चाहिए। देखो बिल्लू, हम इसके घर में घुस के खाना हड़प कर जाते हैं। अरे बाबा मुझे तो डर लगता है, कल मैं स्कूल जाऊंगा तो मेरा क्या होगा? अरे डरपोक, क्यों डरता है, मेरी तरह बहादुर बन। चल दादा चल। तुम लोग जल्दी खाना खाओ जल्दी। राधा सब कुछ तो मजेदार है, काली तरकारी में नमक ज्यादा है, क्यों? नहीं नहीं सब ठीक है, मेरा पेट भर गया, ये भी तुम खा लो। राधा नमक कुछ ज्यादा ही लग रहा है। मुझे मालूम है क्यों ज्यादा लग रहा है, लेकिन नहीं बताऊंगी। तुम खाना खाओ, तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बाबा कुछ खाने को दे ना। लेकिन ये क्या है, सब्जी है चावल है? हाँ चावल है, वो भी बासमती, चिकन है, दाल है, कुछ दे खाने को। हाँ नहीं नहीं नहीं, दरअसल खाना तो मैंने भी बनाया था, खाना तो अलग रहा, बर्तन भी गायब। तो फिर खा लो ना। नहीं 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 महाराज, ये लीजिए। नमस्ते। चलो हाँ चलते। अरे ये क्या, तुम लोग ये बर्तन ऐसे छोड़ के चले जा रहे हो? हाँ तो फिर ये बर्तन मास्टर जी के घर ले जाकर उनके खाने का शुक्रिया अदा करें। अरे वो इन बर्तनों बिना कल खाना कैसे बनाएगा? तुम लोगों को जाना हो तो जाओ, मैं बर्तन धोकर उसके घर रख कर वापस आऊंगी। राधा क्या हुआ? सुसु। अरे हट। खाना गायब है लेकिन बर्तन तो छोड़ देते, समझ में नहीं आता। ये रहे तुम्हारे बर्तन, गिन के देख लो बराबर है कि नहीं। ये कौनों के बर्तन है जो तू छोड़ के भाग रही है? मास्टर जी के। मास्टर जी के? तुम वहां छोड़ के काहे भाग रही है? अरे अरे चौधरी साहब, चौधरी साहब आराम से। दरअसल बात यह है, मेरा बच्चा बहुत रो रहा था तो मैंने कहा कि राधा जा कुएं पर पानी से बर्तन धोकर ले, आप बोले आई। अरे कहा तो इसका मतलब बर्तन लाए कि सड़क में फेंक देगी, घर में सजाए के नहीं रह सकती है। चल जा बर्तन अंदर रख। जब देखो बुड़ 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 करते रहे। अच्छा ये बात बता बेटा, तुम खाना खाई लिया ना? हाँ खाना खाई लिया। चलो अच्छा है। अरे हाँ हम ये कहने आए रहे, हमने जरूरत तेरे परिवार के बारे में बताया, बहुत दुख हुआ सुन के। भगवान कितनी बड़ी सजा दिया तुमको, मासूम बच्चा तेरी गोद में डाल दिया और जवानी में तेरी पत्नी को दुनिया से उठाई लिया। बुजुर्गों का कहना है कि जो काम करो पूरा करो। खाना तो तुमने खा लिया है, अब ये फल भी खा लो, ये पान भी खा लो और घर पे जाकर सो जाओ। लगता है कुछ पुराने जमाने का, पिछले जन्म का कुछ उधार था जिसके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर तुम्हें खिलाना पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए मास्टर जी, मुझे आपके दुखी जीवन के बारे में कुछ नहीं मालूम था। मैंने बहुत बेहुदा मजाक किया आपके साथ। आज के बाद मैं कभी कोई गलती, कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी जिससे आपके दिल को दुख पहुंचे। मैं वादा करती हूं मास्टर जी। अरे ये क्या, ये तो सिर्फ मामूली बात थी खाने की, इसमें इतने वजनदार मोटे मोटे आंसू गिराने की क्या जरूरत है? हाँ तुम्हारी और पिताजी की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। बिन माँ के मासूम छोटे बच्चे को किस तरह पाल रहे होंगे ये आप ही का दिल जानता है, और मैं बेवकूफ बच्चा बनकर उन लड़कों के साथ मिलकर आपका खाना चुरा कर ले गई। कोई बात नहीं, तुम खाना चुरा के भी ले गई और खा भी गई, किस्सा खत्म। अब आंसू पोछो और जाओ ना बाबा अपने घर।
आप रात के खाने का क्या करेंगे? एक निवाला तो छोड़ा नहीं, बर्तन भी धोकर ले आई और पूछ रही कि रात के खाने का क्या करूंगा। अरे बाबा, दोबारा बनाऊंगा, खा लूंगा। अब तुम जाओ। बच्चे ने खाना खा लिया? ये तो शुक्र करो कि बोतल तकिए के नीचे थी, अगर तुम लोगों की नजर पड़ जाती ना तुम तो ये भी हड़प कर जाते। अरे जाओ बाबा, अपने घर जाओ। मास्टर जी, जब आप स्कूल जाएंगे तो मैं आपके बच्चे को संभालूं? ए, ये मेरा बच्चा है, म्यूनसिपालिटी का नहीं है, इसकी देखभाल करना भी मेरा फर्ज है। अभी तुम जाओ ना बाबा अपने घर, चलो फुट हड़प। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए कुछ करूं। जगह खाली करो और जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। अरे जा। बाप रे, इतना गुस्सा! भगवान का शुक्र है कि बच्चे की खूबसूरती और हंसी माँ पर गई है। अरे बगैर मक्खी की चाय देना एक। जरा चार पूड़ी और सब्जी देना। आओ मास्टर आओ, जैसे बच्चे स्लेट लेके तुम्हें ढूंढते हैं वैसे कैरियर लेके तुम मुझे ढूंढते रहते हो। रकम मैं दे रहा हूँ, हाथ तुम फैला रहे हो, इसका मतलब भिखारी तुम हो। इस गांव में एक तो आया जो तेरे मुंह पे ताला लगा सकता है। चुप है पुजारी, नहीं तो तेरी लंबी चुटिया काट कर तेरे खाने में मिला दूंगा। और तू कर भी क्या सकता है। अच्छा तू मुझे एक बात बताओ, ये होटल तुमने बिकाई के लिए चालू किया है या ग्राहकों के साथ झगड़ा करने के लिए? मेरी मर्जी, इस गांव के अंदर ऐसा कोई मर्द पैदा ही नहीं हुआ जो मेरा मुकाबला कर सके। यहाँ मास्टर जी मेरा राज चलता है। जब बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं रहे तो किस खेत की मूली है? तुझे मूली बोल गया। तुझे कूली बनाऊंगा, कूली साले तेरी। भगवान के प्रतिनिधि पर हाथ बैठा है, साले मैं तेरे को भस्म कराऊंगा। कचरा कचरा कचरा। ए बिल्लो क्या हुआ, रो क्यों रहा है? किसी ने मारा बता, काट के रख दूंगा। किसी ने मारा तो नहीं, लेकिन आज हम तीनों को खूब मार पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि मास्टर जी को पता चल गया हमने उनके घर से खाना चुरा के खाया। अब क्या होगा? अरे स्कूल की घंटी बज चुकी है, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? चलो अंदर क्लास में। तो बच्चों तुम लोगों को मालूम है कि भारत के उत्तर में है हिमालय और पूरब में है बंगाल सागर। आइए आइए, आप तीनों की सुबह अब हुई। हाँ अच्छा, ये तो बताओ कल का खाना कैसा लगा? मेरा मतलब है बैंगन की सब्जी, आलू की भाजी, गोभी। मेरे हाथ का बना हुआ खाना अच्छा था ना? शायद नमक थोड़ा सा कम था। हाँ बता दो ताकि आइंदा आपके टेस्ट के हिसाब से खाना बनाऊंगा। क्यों, अच्छा लगा ना खाना? हाँ क्यों भाई, मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाने में मजा आया? मास्टर जी, मैंने पहले इन लोगों से कहा था कि मास्टर जी के घर चोरी करना पाप है, लेकिन इन लोगों ने मेरी बात ही नहीं मानी और ये तो कहने लगा, डर मत बहादुर बन, मैं जो हूँ। ए मास्टर जी के सामने झूठ बोलता है, पाप लगेगा। मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं तो फिर। अरे चुप, खाना खाते वक्त तो एक दूसरे के साथ बराबर बांट कर खाया, जब पकड़ गए तो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हो। देखो भाई, अगर तुम्हें इतना ही शौक है मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाने का तो जरा थोड़ा पहले ही बता देना ताकि मैं आधा किलो चावल आप लोगों के लिए ज्यादा बनाऊं। हाँ चलो जाओ, बैठ जाओ, चलो। मास्टर जी आप हमें बेंच पे खड़ा नहीं करेंगे? नहीं जाओ। मास्टर जी आप मुझे मुर्गा बनने को नहीं कहेंगे? अरे कहा ना बाबा, जाओ। मास्टर जी मैं बच्चे के लिए झूला को हिलाऊं? झूला हिलाने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी दुम हिलाना बंद करो, जाओ बैठो अपनी जगह पर। हाँ तो बच्चों, दूसरे क्लास के बच्चों की पढ़ाई खत्म, अब तीसरे क्लास के बच्चों की बारी है। कल मैंने जो आप लोगों को हिसाब का होमवर्क दिया था आप लोगों ने कर लिया? जिसने नहीं किया वो खड़ा हो जाए। हाँ मुझे मालूम था, एक नए काम चोर तो इस क्लास में होगा ही। हाँ तो बोलो क्यों नहीं किया होमवर्क? मुझे घर का काम करना था इसलिए समय नहीं मिला। अच्छा जनाब को समय ही नहीं मिला होमवर्क करने के लिए? चलो उठाओ, तुमने अपना होमवर्क किया? जी हाँ किया। ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसने अपना होमवर्क किया, लेकिन तुम्हें होमवर्क करने के लिए टाइम नहीं मिला। कल से होमवर्क करके आओगे? नहीं मास्टर जी, कल भी नहीं कर सकूंगा। अरे मैं तुझे प्यार से पूछ रहा हूँ और तू बदतमीजी से जवाब दे रहा है कि मैं नहीं कर सकता। हाथ आगे कर, मैं कहता हूँ हाथ आगे करो। ये तेरे हाथ को क्या हुआ? मेरी छोटी माँ ने जलाया। छोटी माँ? तेरी सौतेली माँ? हाँ मास्टर जी, इसके पिता की दो बीवियाँ थी, भोला की माँ मर गई, लेकिन धीनू की माँ जिंदा है, इसलिए इसे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं और इस बेचारे को इसकी सौतेली माँ फटे हुए कपड़े देती है, बहुत जुल्म करती है। कल मैं
होमवर्क करने के लिए बैठा तो छोटी माँ गुस्से से आई और कहने लगी, घर का काम छोड़ के स्कूल का काम करने बैठ गया और मैं स्लेट छीन कर फेंक दी, फिर जलती हुई लकड़ी से मेरा हाथ जला दिया, इसलिए मास्टर जी मैं होमवर्क नहीं कर सका। कोई बात नहीं, जब जख्म भर जाएगा ना उसके बाद होमवर्क करना, बैठो। बच्चे का ख्याल रखना, देखिए आज से आप सिर्फ इसके पिता ही नहीं माँ भी है। बच्चे को होशियारी से पालना, उसे कभी अनाथ ना होने देना, उसे अनाथ ना होने देना, मुझे वचन दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता और चुपचाप खाना, शोर कोई नहीं मचाना। भैया तुम भी घर का खाना खाओ। नहीं नहीं तुम खाओ, अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया कि मैंने तुम्हारे डिब्बे में से खाना खाया है तो मुझे बहुत मारेगी, मेरे लिए सरकारी खाना ही काफी है। तुम्हारा हाथ जल गया है ना, मैं खिलाता हूँ। अरे गुलाब का फूल लेके जाएगा तो तेरी बीवी जिले भी खिलाएंगी। अरे जूही का फूल लेके जाएगा तो तेरी बीवी अरे कौन सा फूल लूंगा तो तू मुझे मिल जाएगी रूपा रानी। अरे पुजारी तू पुजारी नहीं प्रेम पुजारी। पुजारी तेरे में कितना बच्चा पैदा करने की ताकत है रे। हरिओम हरिओम हरिओम, हमारी पत्नी के मरने के पश्चात हमने कोई प्रयत्न नहीं किया, हम पवित्र हैं, कोरे कोरे। अरे उसके पहले कितने रे? उसके पहले 3 छोटे छोटे लौंडे। अबे ओ कलियुग के पुजारी आ गया यमदूत, लौंडे पैदा कर रहा है। ये ले। ये क्या है? नाश्ता। अरे तुम्हारे होटल का नाश्ता हमको नहीं करना है, चाय मांगो तो मक्खी निकलती है, पूरी मांगो तो बाल निकलता है, मेरे पेट में बालों का छत्ता बन गया है, उसमें मक्खियाँ सोने लग गई हैं। अबे घोंचू के, ये तेरे लिए नहीं है, मास्टर जी ने तेरे हाथों नाश्ता मंगवाया, लेके जा। अरे मास्टर जी के लिए नाश्ता एक पुजारी लेकर जाए। अरे लेके जाता कि नहीं? लेके जा। भगवान के प्रतिनिधि पर हाथ उठाता है, मैं तुझे भस्म कर दूंगा श्राप देकर। अरे साले ये कचरा कचरा कचरा। अरे भगवान की भभूति को कचरा कहता है, मैं तुझे जला डालूंगा। शाम को मंदिर वाला नारियल भोले भी आऊं। अरे तो होटल संभाल अपना। भाग जाता साला पुजारी। गांव में एक ही गरीब पुजारी मिला है ना, उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हो। मैं देख लूंगा। क्यों बड़बड़ा रहे हो, क्या हुआ? ये क्या है? अरे ये नाश्ता है, मास्टर जी को जाकर देना, वो मुझे कहता है जाकर दो, आंखें दिखाता। ये कोई बात है? आप पंडित जी हैं, आप भगवान की सेवा करेंगे या मास्टर जी की सेवा करेंगे? हा, 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 मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं कहता हूँ धन्य हो। मुझे दीजिए, मैं लेके जाती हूँ। तुम दोगे? हाँ। भाई धन्य हो, धन्य हो, भगवान करे तुम्हारे बच्चे जी 10-12 बच्चे हो। पापा पापा क्या? पापा पापा अबे पापा तू यहाँ क्या कर रहा है? जाकर अपना होटल संभाल, जाकर देख चपाती में कितने बाल निकले, चाय में कितनी मक्खियाँ निकली। अबे खोंचू के, मेरी चपाती में बाल हो, मेरी चाय में मक्खियाँ हो, तुझे क्या लेना देना? अच्छा मुझे क्या लेना देना? खाना तो हमको पड़ता है, हमारे पेट को भुगतना पड़ता है। तेरे जैसे करके क्या? रूपा पापा। पापा हो गई पापा? तेरी वजह से पापा हो गई। पापा कबाब में हड्डा है, तू पुजारी नहीं, पुजारी के नाम पे पत्थर धब्बा है। अबे बकरी के पुजारी। बेटा अपनी माँ को प्रणाम करो कि तुम्हें आशीर्वाद दे, कि तुम्हें बुद्धि मिले, तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो। हाँ आइए हरफन मौला, आइए आइए, स्वागतम हरफन मौला। कल मेरा खाना खा गई थी, अब क्या खाने आई हो? मैं खाने के लिए नहीं आई, बल्कि तुम्हारे लिए पूरी लेकर आई हूँ। मुझे नहीं चाहिए तेरी पूरी, मैंने होटल से पहले ही मंगवा लिया है। मैं वहीं से लाई हूँ, वहाँ ले जाने वाला कोई नहीं था इसलिए मुझे ले जाने को कहा, मैं ले आई। ये लो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। हैं? थैंक्स। क्या 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 क्या? अंग्रेजी में कहते हैं, मैं कोई जाहिल नहीं हूँ, 5 क्लास तक पढ़ी हूँ। हाँ। वाह खूब नाम रोशन करोगे अपने गुरु का। देखो अब तुम जाओ, हमें नाश्ता करने दो, अगर तुम यहाँ खड़े खड़े हमें देखती रहोगी ना तो बाप और बेटे दोनों के पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। छी छी। मैंने बहुत से कंजूस देखे लेकिन तुम्हारी टक्कर का आज तक नजर नहीं आया। देखो मैं कितनी तकलीफ से तुम्हारे लिए पूरी लेकर आई हूँ और तुम झूठे मुंह भी नहीं कहते कि आइए मुंह खोलिए मैं खिलाता हूँ खाइए। वाह कल पहले रसोई पर हमला किया, चोरी करके मेरा खाना खा गई, अगर मैं इजाजत दे दूँ ना तुम तो मुझे भी खा जाओगी। मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी। क्या हुआ किसने मारा?
मारा नहीं सर, तीनू के भाई भोलू को लोगों ने पेड़ से बांध दिया। क्यों? रात को भोला की सौतेली माँ ने उसे खाना नहीं दिया, बेचारा भूखा ही सो गया। और सुबह उसे बहुत भूख लगी, स्कूल जाते समय आम के बगीचे में घुसकर उसने एक आम तोड़ लिया, बगीचे के मालिक ने उसे पकड़कर पेड़ से बांध दिया। तो उसकी सौतेली माँ से कहना था ना? कहा था सर, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने कहा कि बाहर में जाए, बाग के मालिक से कहो वो उसे इतना मारे वो वहीं मर जाए। कहाँ है वो? आइए मास्टर जी मेरे साथ। दादा बच्चे का ख्याल रखना, मैं भी आता हूँ। जल्दी से गोली, मैं चीजें कर रही हूँ। बेटा रो मत, रो मत बेटा, मैं आ गया हूँ ना। किसको पूछ के रस्सिया खोल रहा है सुअर? देखो ना खून निकल रहा है। अरे ये राधा का खून नहीं है, ये तो मास्टर जी का खून है। मास्टर जी का सर यहाँ पे लगा था, इसलिए खून का दाग यहाँ पे लग गया। मास्टर जी का सर वहाँ लगा, इसलिए मास्टर जी का खून है। राधा ये लो पानी, जल्दी से मास्टर जी के चेहरे पे छिड़क दो। मैं नहीं छिड़कूंगी, अभी इनको थोड़ी देर ऐसे रहने दो ताकि मैं इन्हें इसी तरह देखती रहूं। राधा कहानी शुरू हो गई क्या?
अंगारों की तरह अंगों में आग लगती है। जब मस्तानी रुत में महबूब महबूबा से मिलता है, बस में नहीं रहता कोई, नस नस में प्रीत जगती है। बेटा बेटा मैं जानता हूँ बेटा, ये ले ए ए ए, ए आ, तेरे पेट में दर्द हो रहा है, दवा पीकर ठीक हो जाएगा। अरे तू ऐसे कितना अच्छा लगता है, और जब तू रोता है ना तो बिल्कुल ओहो। माँ जी आप आइए आइए। शांति पहली बस से आ रही हो? हाँ। पिताजी कैसे? ठीक है। अरे अभागन बेटी, तू तो हमेशा कहती थी कि तेरे पति जैसा वर उस खुश नसीब को ही मिलता है,
जिसने पिछले जन्म में अनगिनत पुण्य किए हो, मगर तू तो उसका साथ जिंदगी भर भी नहीं निभा सकी, जिंदगी भर भी नहीं। शांति, माँ जी को तसल्ली दो। बस करो माँ, तुम भी इस तरह रोगी तो इनका क्या होगा? इनको तसल्ली कौन देगा? चुप हो जाओ माँ। कैसे चुप हो जाओ बेटी, उसे इतनी भी दया नहीं आई। उस मासूम बच्चे को बाप की गोद में डालकर हमेशा के लिए चली गई। जो कुछ होना था हो चुका माँ, अब आपके इस तरह रोने से दीदी वापस तो नहीं आ जाएगी। शांति, माँ जी को आराम से यहाँ बिठा दो। नहीं नहीं, रहने दो बेटा, हम अगली बस से चले जाएंगे। बेटा, मैं तुमसे शांति की शादी के बारे में कुछ बात करने आई हूँ। शांति की मंगनी तो हो चुकी है ना, क्या कुछ रुपए पैसे की जरूरत पड़ी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। शांति के पिता सोच रहे थे इस बच्चे के परवरिश के लिए तुम्हें कितने दुख और तकलीफें उठानी पड़ रही है, तो फिर ऐसे हालत में शांति को किसी पराए के यहाँ ब्याहने की जरूरत ही क्या है? और मेरा भी यही ख्याल है कि इसके पिता ठीक ही कह रहे हैं, इसलिए हमने मंगनी तोड़ दी और तुमसे मिलने आए। तुम अगर हाँ कह दो तो वो अगले हफ्ते आकर तुमसे मिल लेंगे। शांति, जरा बच्चे को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाओ। माँ जी, आपको इस घर में आने का पूरा हक है, क्योंकि मैं आपका पुराना दामाद हूँ। अगर आप मुझे नया दामाद बनाने का इरादा रखती हैं, तो इस घर में आने की कोशिश मत कीजिएगा। बेटा, तुम्हें शायद किसी जीवन साथी की जरूरत नहीं है, मगर इस मासूम बच्चे को तो माँ की जरूरत है ना। ठंडे दिल से विचार कर लो, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। राधा, आज तो तुम बहुत बड़ी दिख रही हो। इस साड़ी में मैं दुल्हन नहीं लगती हूँ। ऐसा मत बोलो, मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा है। अभी मैं तुम्हारा दूल्हा बनने के लिए बहुत छोटा हूँ। मैं जूते से मारूंगी। हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था। राधा, आज कोई खास बात है क्या? हाँ, मैं सीधा मास्टर जी के पास जा रही हूँ ये कहने कि मुझसे शादी कर लो। मास्टर जी? हाँ मास्टर जी, ठीक है, नहीं तो अपने गांव में तुम्हारे साथ शादी करने लायक दूल्हा ही नहीं है। राधा, उस दिन तुमने गाने में अपनी पसंद के दूल्हे के बारे में क्या कहा था कि वो दम कम वाला, लेकिन मास्टर जी तो ऐसे नहीं। अरे चुप्पे, मेरी नजर में तो मास्टर जी में दम भी है, खम भी है। मैं उनसे बात करने जा रही हूँ, तुमको आना हो तो आओ, नहीं तो बताओ। अरे बच्चे को क्यों उठा कर ले जा रहे हो? अरे भाई, तुम्हारा क्या भरोसा है? कल तुम मेरा खाना चुरा के ले गई, मुझे दूसरा खाना बनाना पड़ा। अगर तुम मेरे बच्चे को चुरा के ले गई तो मैं दूसरा बच्चा कहाँ से पैदा करूँगा? चीची, कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जो भी कहना, 10 फीट दूर रहकर को। हाँ देवी जी, कहिए, जो कुछ कहना जल्दी से कहिए और खिसकिए यहाँ से। अरे तुम चुप क्यों हो? मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दूंगी, तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। हाँ देखो, बच्चे के पास बिस्किट का पैकेट पड़ा, वो खा लो, और दूध की बोतल को निप्पल लगाया, निप्पल से दूध पियो और खिसको। मैं मजाक नहीं कर रही, मैंने पूरी तरह सोच समझ कर फैसला किया है। देखो भाई, तुम यहाँ से जाओ, मेरे सर पर बहुत काम है। इसीलिए तो कह रही हूँ, बच्चे को तालाब के किनारे डालकर इस तरह कब तक काम करते रहोगे? मुझसे शादी कर लो, मैं सारा काम संभालूंगी। हाँ, और फिर जब तुम मेरे साथ साथ गांव के रास्ते से गुजरोगे तो तुम्हारी इज्जत में मेरे कारण 4 चांद लग जाएंगे। और अपना एक बेटा तो है ही, और बच्चा पैदा करने की औरत को जो तकलीफ होती है ना, उससे मैं बच जाऊंगी। औरत जात, खुद की शादी, बच्चा पैदा करना, ऐसी बातें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, जो मन में है वो जबान पर। मैं क्या तुम्हें कोई बुरा काम करने के लिए कह रही हूँ? सबसे पहले मेरा इरादा शादी करने का है नहीं, और फिर ऊपर से तुम जैसी अगर पत्नी मिल गई इस जन्म में, तो क्या 7 जन्म में भी शादी का नाम न लूं? ये आपका आखिरी फैसला है? अरे जा, आखिरी वाली जाती है कि नहीं, नहीं तो पानी में डुबो दूंगा। देखिए मास्टर जी, मैं आपको एक अकल की बात बताती हूँ। राख जब तक चूल्हे में पड़ी होती है तब तक राख होती है, जब पुजारी के हाथ में आती है तो प्रसाद बन जाती है। इसी तरह तुम भी इस वक्त मेरी कीमत नहीं जान सकते, लेकिन 2-3 दिन अकेले बैठकर सोचो, तब तुम्हें पता चल जाएगा। तब पता चलेगा, है ना?
चाहती है कि नहीं? अरे कमल है। इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ, मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि बच्चों के अलावा भी बड़ों की पढ़ाई के लिए डिपार्टमेंट ने मंजूरी दे दी है, तो इसमें हंसने की क्या बात थी? क्या मैंने कोई जोक मारा है? मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि शाम को बच्चों की पढ़ाई के बाद आप लोग स्कूल में आइए पढ़ने के लिए। खेतों में काम करने वालों को इस उम्र में पढ़ाई की जरूरत क्या है? इस उम्र में पुजारी जी पढ़ने जाएंगे क्या? मेरी मति मारी गई है जो मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा? अरे मैं तो स्वयं विद्वान हूँ, वेद पुराण उपनिषद कुमार संभव मेघदूत कालिदास सब रटे हुए मेरे। मास्टर जी आप हमारे बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ाएं, बस इसी में हमारे गांव की उन्नति है। कहाँ से आई? अरे मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तुम्हारे ग्रह कह रहे हैं कुंडली के। तुम समझे नहीं, तुम जो कर रहे हो वो तुम स्वयं थोड़ी कर रहे हो, तुमसे करवाया जा रहा है, ग्रह कर रहे हैं, ये सब ग्रहों का चक्कर है। क्या बात है काली पेंट वाले? ए भाई ओए, लड़की सुंदर, पति सुंदर, बदरी प्रसाद तुम जाओ यहाँ से। देखिए जी, देख रहा हूँ मुखिया जी कहाँ रहते हैं? अरे नमस्कार, मुखिया क्या, मुखिया के बाप का घर भी बता सकता हूँ। आइए, आप जो कहेंगे वो कर दूंगा। आइए 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 आइए। अरे तुम लोग क्या पीछे पीछे आ रहे हो? कभी लड़की देखी नहीं है क्या? चले ऐसे आइए। मुखिया जी, मुखिया जी, ये लड़की आपसे मिलने के लिए आई, आप है मुखिया जी। नमस्ते। नमस्ते, हम पहचाना नहीं, हमसे क्या काम है? मेरा नाम शोभा है। आप लोगों ने यहाँ के स्कूल के लिए एक टीचर की दरख्वास्त की थी, वो मंजूर हो गई, मुझे यहाँ बालक शिक्षा के लिए भेजा गया है। मास्टरानी के भेजा है, बहुत खुशी की बात है। मेरे रहने की जगह? हाँ बहुत जगह ही जगह है, आप अंदर चलो, जलपाल कर लो। गणपति आए नमः, यज्ञ आए नमः, निकाल यज्ञ आए। अरे रे 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 रे, ये तो लाल फूल है, सफेद फूल नहीं है। तेरी मनोकामना पूर्ण होने में अभी समय लगेगा देवी। यज्ञ आए नमः गणपति। मैं भी एक फूल उठाकर अपना भाग्य देखना चाहती हूँ। हाँ हाँ, तो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लो और भगवान का ध्यान लगाकर एक फूल उठा लो। गणेश आए नवा नवा, ओ यज्ञ आए नवा नवा, ओ यज्ञ आए नवा नवा, ओ गणेश आए नवा नवा। अरे सफेद फूल, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो, भगवान ने चाहा तो तुम्हारी इच्छा जल्दी ही पूर्ण होगी। इसकी क्या इच्छा होगी, पिछली बार तो प्रसाद की थाली चुरा कर भाग गई, अब क्या गणेश जी की मूर्ति चुराना चाहती है? चुरा ले, परंतु मैं गणेश जी की सेवा करूंगा। जय गणेश। चलो गोली खा लो। अब आराम से सो जाओ। सुनिए, मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? पूछो। मान लो अगर मैं मर गई तो क्या आप दूसरी शादी करेंगे? पगली, भगवान ना करे, अगर तुम इस दुनिया में ना भी रही तो हमेशा मेरे दिल में रहोगी, तुम्हारी जगह और कोई नहीं लेगा। माँ को प्रणाम करो, उधर उधर माँ को प्रणाम करो। जय सावित्री। जी मास्टर जी। यहाँ आना, आज मेरी पत्नी का श्राद्ध है, ये साड़ी और फल तुम्हारे लिए, शाम का खाना भी यही खाना और अपने पति को भी ले आना। अच्छा जी। ए बच्चे, ज्यादा मस्ती वस्ती नहीं करना, चुपचाप बैठो और माँ को प्रणाम करके माँ से बातें करो, मैं भी आता हूँ। तुम फिर आ गए हैं? देखिए नाराज मत होइए, आज मैं मंदिर गई अपने दिल में तुम्हारी याद लेकर, भगवान से तुम्हें मांगने के लिए। उनके सामने से एक फूल उठाया और वो सफेद निकला। वो सफेद फूल हो या गोभी का फूल हो, मुझे क्या लेना देना, चलो जाओ यहाँ से।
ये टप टप आंसू बहाकर मेरा दिमाग खराब मत करवा। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो एक दो रख के दे दूंगा। देखो मैं इस बच्चे की, इस भगवान की, दीदी की कसम खा के कहती हूँ, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ जान दे दो, मेरी जान तो छूटेगी। क्या जरूरी काम था, क्यों बुलाया? राधा तुमने अपनी शादी के बारे में क्या फैसला किया है? मैंने तुम लोगों को अपना फैसला पहले ही सुना दिया था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, एक दिन मैं मास्टर जी की पत्नी बनूंगी और बन के रहूंगी। सपना देखती रहो, उनका शादी किसी और के साथ हो जाएगा। जब से मास्टरानी इस गांव में आई है लोगों के मुंह से राल टपकने लग गई है। हमें दूसरों की क्या परवाह, लेकिन दुख इस बात का है मास्टर जी भी उसके चक्कर में पड़ने लगे हैं। तुम लोग हजार कहानियां सुनाकर मेरे कान भरने की कोशिश करो, मगर मैं नहीं मानने वाली। मुझे मेरे पति पर पूरा विश्वास है। वो देखो अपने पति को और उसकी पत्नी को। ए चिल्लू, ये लोग इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? और कहाँ जाएंगे, पहाड़ के ऊपर शीश महल में। शीश महल में क्यों? छी, कैसे सवाल करती हो, बताती हो अभी शर्म आती है, फिर भी बता देते हैं। ए टिल्लू, राधा ये समझो कि ये टिल्लू मास्टरानी है और मैं मास्टर। अब हम लोग ये बताएंगे कि वो वहाँ पर क्या करते हैं। ए टिल्लू शुरू हो जा। कैसे निशान होठ किसी के मेहरबान, चेहरे पे क्यों ये निशान है, प्यार की ये पहचान है। ये तो प्यार न होगा मुझसे अब तो इंतजार, गालों पर ये कैसे निशान होठ किसी के मेहरबान, चेहरे पे क्यों ये निशान है, प्यार की पहचान है। दे दो प्यार न होगा मुझसे अब तो इंतजार, गालों पर ये कैसे निशान होठ किसी के मेहरबान। बदन को छू के प्यास जगे, आलिंगन की आस जगे, तुमको देखे बिन तुमसे मिल बिन एक पल रहा न जाए। गालों पर ये कैसे निशान होठ किसी के मेहरबान,
निशान। होंठ किसी के मेहरबान, चेहरे पे क्यों ये निशान है, प्यार की ये पहचान है। ये तो प्यार न होगा मुझसे अब तो इंतजार, कानों पर ये कैसे निशान। होंठ किसी के मेहरबान, मास्टर जी मेरे सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकते। मास्टर जी, आत्महत्या का मतलब क्या होता है? आत्महत्या का? हाँ, राधा हमसे कह रही थी कि वो आत्महत्या करने जा रही है। उसने हमसे प्यार किया और चली गई। ये क्या पागलपन है, क्या हरकत है यहाँ? मैं मरना चाहती हूँ। क्यों मरना चाहती हूँ? अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मेरी हालत तुम्हें क्या बेटी क्या कर रही है, अपनी जान दे रही है? अपने खानदान पर कलंक लगाना चाहती है, आत्महत्या करने की क्या जरूरत आन पड़ी? माँ, पिताजी, अगर मैं जिंदा रही तो आपकी मान मर्यादा इज्जत सब खाक में मिल जाएगी, क्योंकि मुझसे नादानी में एक पाप हो गया। पाप है गवा? अरे हम इतनी तकलीफ परेशानी उठा के तुमको बड़ा किया और तू हमने नाम पे बट्टा लगा रही है, किसके साथ पाप किया तू? अरे बोल, कौन है वो? बताना कौन है? बता दो राधा, बता दो। अरे बोल नहीं को। ठीक है, मैं आपकी बेटी के साथ कोई धोखा नहीं करना चाहता, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सबसे पहले ये आप सब की मौजूदगी में मेरे बच्चे पर से फलांग कर कसम खा ले तो मैं आपका हर हुक्म मानने के लिए तैयार हूं। सोच क्या रही है? अगर ये सच बात है तो घबराने की क्या बात है, बेधड़क फलांग जा बच्चे को, कुछ नहीं होगा उसे। अरे जो झूठे होते हैं वो कसम खाने से डरते हैं, तू तो सच बोल रही है, आगे बढ़, फलांग जा बच्चे को। अरे तू बच्चे को फलांग जाए और कसम खाए तो वो तुझसे शादी करने को तैयार है? Thank you.
बाबा बाबा। भगवान का शुक्र है कि हमारे स्कूल में सिर्फ तीसरी तक ही क्लास है। अगर सातवीं आठवीं तक कहीं होती और हम अपनी जवान लड़कियों को पढ़ने भेजते तो हमारे मुंह पर बदनामी का कलंक लग गया होता। हाँ भाई, बुजुर्गों ने ठीक ही कहा, पत्नी की अर्थी उठते ही पति डोली लेकर दूसरी दुल्हन की तलाश में निकल पड़ता है। इस गलतफहमी में मत रहना, जो तुमने चाहा था वो पा लिया है। तुम्हारी जिंदगी का असली इम्तिहान अब शुरू होगा। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर गांव वालों के सामने तुमने मेरे मुंह पर थूका, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, इसलिए आज के बाद तुम शादीशुदा होने के बावजूद कुंवारी रहोगी। नदी पर जाकर नहाने की कोई जरूरत नहीं, मैंने पानी गर्म कर दिया है, घर में ही नहाना। ये क्या, मैं बकबक किए जा रही हूँ और तुम कपड़े उठाकर चले जा रहे हो? हाँ, कम से कम चाय तो पी लो। हाथ अड़ा वरना गला घोट के मार डालूंगा। हट। मैंने आपके लिए नाश्ता तैयार कर दिया है, वो तो खा लीजिए। मगर मेरा गुस्सा खाने पर क्यों उतार रहे हो? भूखे रहोगे तो सेहत खराब हो जाएगी। नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता तो जी? क्या है, क्या चाहिए? जब ये नदी किनारे नहाने गए थे तो मुझे घर पर आकर मिलने के लिए कहा था। पुष्पा जी, मैं तुम्हें 30 रुपया महीना दूंगा जब तक मैं स्कूल में रहूंगा। सुबह से शाम तक बच्चा तुम्हारे पास। ठीक है जी। गणेश हाजिर सर। शास्त्री हाजिर सर। बोलो हाजिर सर। सावित्री हाजिर जनाब। बोलो हाजिर जनाब। हमारा नाम शंकर। हाजिर सर। शंकर हाजिर सर। मास्टर जी। रवि मास्टर जी। मेरा नाम गौरी। मास्टर जी मेरा नाम बोला ही नहीं। अशोक। अरे उठो, तुम्हारा नाम भी नहीं बोला। मैंने जिंदगी में गुरु को धोखा देते हुए चेले को कभी नहीं देखा। अगर तुम लोगों का बस चले ना तो रात में सोते हुए मेरे सर पर पत्थर मारकर चले जाओगे। अरे मैं पूछता हूँ, तुमने पंचायत में झूठी गवाही क्यों दी कि मुझे और राधा को बाजरे के खेत में देखा था? अरे मैं पूछता हूँ, कब देखा था? इसके बाद अगर मैंने तुम लोगों से बात की ना तो मेरे सर पर बड़ा सा पत्थर लाकर मार देना। अब तुम लोग स्कूल में आओ या ना आओ, पढ़ाई करो या ना करो, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। बैठ जाओ। आज जो सबक मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। महात्मा गांधी ने हमारे देश को। मास्टर जी। क्यों बे, 9:30 बज गए, ये वक्त है स्कूल आने का? एक तो देर से आए, ऊपर से कपड़े भी ठीक से नहीं पहने हो। मास्टर जी, माँ ने कहा कि कल ही तो मास्टर जी की शादी हुई थी, इसलिए स्कूल बंद होगा क्योंकि मास्टर जी काफी थके होंगे। लेकिन जब मैंने घंटी की आवाज सुनी मैं भागता चला आया। मास्टर जी मैं आऊं कि वापस चला जाऊं? चल चल अंदर आ। हाँ तो बच्चों, महात्मा गांधी ने हमारे देश को। Excuse me, sir. May I come in, sir? मुझे एक जॉब चाहिए। मैं तो आपको बहुत सीधा साधा समझती थी, लेकिन आप तो बड़े ही छुपे रुस्तम निकले, एक पैसा खर्च नहीं किया और शादी कर ली। अरे जाजा अपनी क्लास संभालो। लेकिन आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? अरे जब तुम बच्चों को पढ़ाने आती हो तो कम से कम ढंग के कपड़े नहीं पहन सकती? इस तरह के बेहुदा कपड़े पहनकर आओगी तो बच्चों का खाक ध्यान होगा अपनी पढ़ाई में। मेरे कपड़े बेहुदा नहीं, आपकी नजरें बेहुदा हैं। क्या मतलब, मेरी नजर बेहुदा है? बिल्कुल, जब भी किसी औरत से बात करो तो सीधा उसके चेहरे पर देखो, इधर उधर नजर घुमाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं तुम्हारे जिस्म के दूसरे हिस्सों पर नजर घुमा रहा हूँ? अरे मैं एक बच्चे का बाप हूँ, ऐसा गंदा ख्याल आपके दिल में आया भी कैसे? मैं सब जानती हूँ, इन लड़कों ने तुम्हारे और राधा के कारनामे जो पंचायत में बयान किए हैं इन्हीं से पूछ लो। सुन लिया तुम लोगों ने, हो गए खुश?
जाओ जाओ पूरे गांव में डंडूरा पिटाओ मेरा। अरे तुम लोगों की वजह से मैं बदनाम हो गया, खबरदार अगर मुझसे बात की तो। हाँ तो बच्चों, महात्मा गांधी ने हमारे देश को। मास्टर जी, मास्टर जी, आप जाग रहे हैं सो रहे हैं? क्यों बे, क्या बात है? दूसरी घंटी बज गई क्या? अरे तुझे दूसरी घंटी से मतलब? मुझे अपनी गाय को गाब कराना है। बैल वाले ने कहा था कि ठीक 10 बजे बैल तैयार हो जाएगा, सो मैंने सोचा कि दूसरी घंटी बजेगी तो यहाँ से चल दूंगा तो ठीक समय पर पहुँच जाऊंगा। क्यों बे, ये स्कूल है या गाय को गाब कराने का या समय बताने का घंटाघर है? तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है, मैंने तो खाली समय पूछा था। बड़ा आया मास्टर, समझता है सारे गांव में इसी के पास घंटा है और किसी के पास है ही नहीं। मास्टर जी, महात्मा गांधी ने हमारे देश को आजाद ना कराया होता तो अच्छा होता। ये ले। ये क्या, यहाँ नहीं तो तेरे सर पे डालूं क्या? साली सब्जी मुफ्त के इसलिए खाई जाओ, खाई जाओ। आओ मास्टर आओ, चाय लाऊं की कॉफी? खाना। खाना, कमाल है मास्टर जी, कल आपकी शादी हुई और आज आप होटल में खाना खा रहे हैं। वो इसलिए कि कोई नई नवेली दुल्हन से काम करवाता है क्या, खाना पकवाता है क्या, कैसी बातें कर रही है? मैं तुम्हारी ब्याहता पत्नी घर में मौजूद हूँ और तुम बाहर होटल में खाना खाते फिरो, लोग लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे नहीं, चलो उठो। जाइए मास्टर जी, ये सब देखकर हमें भी शर्म आ रही है, आप घर जाइए। देखिए हमारे 20,000 झगड़े हो लेकिन उनको घर के 4 दीवारी में ही रहना चाहिए, अगर बात बाजार में आ गई तो मेरी क्या इज्जत रहेगी और तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी? जाइए मास्टर जी जाइए, बड़ी बाजार में लोगों को तमाशा दिखाने से क्या फायदा। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, जाओ अपने घर जाओ। और तुम? मैं जन्नत में जाऊँ तुम्हें से मतलब, तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं है। ज्यादा बड़बड़ करोगी ना तो बीच बाजार बेइज्जत कर दूंगा। क्या कहा, बीच बाजार में तुम मुझे बेइज्जत करोगे? आहिस्ते बात करो, मैं सब सुन सकता हूँ, बहरा नहीं हूँ। मैं तुम्हारी हरकतें तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त करता जा रहा हूँ और तुम सर पे चढ़ती जा रही हो, चीर के रख दूंगा सिल्वर। तुम मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो मगर मेरे जीते जी, मैं तुमको घर छोड़कर होटल में खाना नहीं खाने दूंगी। मैं घर पे खाना नहीं बनाती हूँ क्या? अरे यहाँ कोई है जो इंसाफ की बात करे? इनसे कहोगे मेरे साथ घर चले, मेरे साथ घर चले। क्या मास्टर जी, बड़े शर्म की बात है, आप बहुत पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, इस तरह सड़क पर खड़े होकर तमाशा करेंगे तो उन बच्चों पर क्या असर होगा जिनको आप पढ़ाते हो, हैं? अरे घर का झगड़ा है, घर में जाकर तय करो, जाओ जाओ। मास्टर जी, कल इसी वक्त आपका ब्याह हुआ और आज इसी वक्त सड़क के बीच में अपनी पत्नी को मारते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे पाँव तो छोड़। नहीं, पहले तुम कहो कि तुम घर चलते हो तब छोड़ूंगी। अरे पाँव तो छोड़। क्या देख रहा है, तमाशा हो रहा है क्या? चल हट। अरे जय संतोषी माँ, अजीब है, क्या देख रहे हो, कोई तमाशा चल रहा है, चल यहाँ से। गर्मा गर्म खा लो, ठंडा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा, और तुम्हें मौका मिल जाएगा तो झगड़ा शुरू कर दोगे। मैं झगड़ा करता हूँ? मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ, तू बड़ी पहुंची हुई चीज है, लेकिन एक बात समझ ले, ये तेरी अदाएं और ये तेरा सेवा करने का नाटक, इससे मैं पिघलने वाला नहीं हूँ और ना ही यहाँ से उतर कर तेरे करीब आने वाला हूँ। मैं तुम्हें चढ़ने उतरने के लिए नहीं कह रही हूँ, सिर्फ खाना खा लो, मेरे लिए इतना ही काफी है। अच्छा, पहले तू खाना खिलाएगी, फिर उसके बाद बिस्तर बिछाएगी, फिर मेरे नजदीक आके लेट जाएगी, फिर कहेगी मुझे ठंडी लग रही है, फिर मेरे साथ चिपक जाएगी। अरे मैं तेरी हर चाल जानता हूँ। हाँ बिल्कुल नहीं, आपके दिमाग में गलत गंगा बह रही है और आप कल से यही बिस्तर सोना इसी किस्म की बातें कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं मियाँ बीवी की जिंदगी में बिस्तर पलंग यही एक चीज जरूरी है, बाकी कुछ नहीं? जरूरी है, दूसरी चीजें भी जरूरी है, लेकिन वो सिर्फ शरीफ और इज्जतदार औरतों के लिए, तुम्हारी जैसी औरतों के लिए नहीं। अच्छा, तो आपका मतलब है कि मैं इज्जतदार और शरीफ औरत नहीं हूँ? ठीक है, तो मेरी भी सुन लीजिए, मैं आपके बुलाए बिना, आपके छुए बिना खुद आपके करीब आई तो मैं अपने बाप की बेटी नहीं। ऐसा वादा? हाँ हाँ बिल्कुल वादा। चलो, इस बात का फैसला तो हुआ कि हम दोनों का संबंध खाने की हद तक ही है, और अगर तुमने ये हद पार करने की कोशिश की। मिर्ची डालू? आगे से बहुत मिर्ची लगे तो अंदर जाओ। मैंने सोचा कि शायद मैं यहाँ बैठी रहूंगी तो तुम ठीक से खाना खा लोगे। चल हट।
ए, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? तुम ही ने तो मुझे रास्ते में मिट्टी में गिरा दिया था। साड़ी खराब हो गई है, बदल रही हूँ। हाँ, बदलना है तो बदल, बाथरूम में जाके बदली करना। अभी फैसला हो गया ना कि ये सब चीजें हमारी हद से बाहर है, इसलिए तुम सर झुकाकर खाना क्यों नहीं खाते हो? मेरी तरफ देखने की क्या जरूरत है कि मैं क्या उतार रही हूँ, क्या पहन रही हूँ? चल बदमाश, अभी तुझे ठीक करता हूँ। ओ माँ, आओ, ये क्या? अरे ये क्या पिताजी, आप बाहर क्यों रुके? अंदर आइए ना। हाँ, यहाँ बाप बेटी का रिश्ता जोड़ने नहीं आए, बल्कि माँ बाप का जो बेटी के लिए फर्ज होता है, जो कर्जा होता है, वो अदा करने आए हैं। बोला मास्टर के। मास्टर? आप उनको मास्टर कह रहे हैं? क्या इज्जत से दामाद जी नहीं कह सकते? हमको नहीं सिखाओ, हमको मालूम है किसको कितनी इज्जत देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। कितना अकड़ते हैं। सुनिए, गांव के मुखिया आपसे मिलने आए हैं। कौन आए हैं? तुम्हारे पिताजी? नहीं, आपके ससुर जी। सुनिए, वो दहेज लाए हैं, जो कुछ चाहिए बेधड़क मांग लो। नमस्ते चौधरी साहब। हमारे साथ को कतना भी गलत बर्ताव करे, मगर हम किसी को ये कहने का मौका नहीं देंगे कि लेन देन के मामले में हम किसी से पीछे हैं। ये ले कागज। ये क्या? ये वक्त हमारे पास नगद रुपया नहीं है, इसलिए अपने मकान का कागज तुम्हारे पास रहन रखने आए। दो चार रोज में फसल कट जाएगी तो पैसा देके छुड़ा लेंगे। तो आप ये समझते हैं कि दहेज के लालच में आकर मैंने आपकी बेटी से शादी की? हाँ, और नहीं तो क्या। तुम्ही को बाजार में कुत्ते की तरह खींच के मारा है। सब लोग यही समझ के हमारे मुंह पे थूकेंगे ना कि चौधरी अपनी बेटी को दहेज नहीं दिया तो दामाद उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। तुमको अपनी इज्जत अपनी मर्यादा का ख्याल नहीं है, मगर हमको बहुत है। हम जिंदगी में दौलत नहीं कमाया है, मगर इज्जत बहुत कमाया। हाँ पिताजी, बस अब बहुत हो गया। अब जरा सोच समझ कर मुँह से शब्द निकालिए। आप गाँव के मुखिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ खड़े होकर मेरे सामने मेरे पति का अपमान करें। तुम अपना मुँह बंद रखो। देखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कृपा करके ये सब चीजें वापस ले जाइए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे हम सब जानते हैं, झूठी शान दिखाने के लिए सामान लेने से इनकार नहीं करो। हाँ, अगर कुछ कम पड़ता है तो बोलो, अभी ला के देते हैं। मैंने आपसे एक बार कह दिया ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसमें से कोई भी चीज अगर घर में गई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। ठीक है, जब तुमने मना कर दिया तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। कल तक मेरे माता पिता मेरे लिए सब कुछ थे, लेकिन आज मेरा पति मेरे लिए भगवान है, उसका हुक्म मेरा धर्म है। बेटी, उसने तो गुस्से में आकर जो कुछ कहा और चला गया, तू क्यों जिद कर रही है? ये सामान रख लेना। नहीं, मेरा धर्म खराब करना चाहती हो? मुझे सब मालूम है, मैंने रामायण में पढ़ा है, पति की खींची हुई रेखा पार करने से पत्नी का क्या अंजाम होता है। अरे हे, वो रेखा पति नहीं खींचा रहा, सीता का देवर लक्ष्मण खींचा रहा, घामड़। हाँ ठीक है, किसी ने तो खींची थी ना। अरे बंसी, वो पीतल का हंडा नजर नहीं आ रहा। मालिक कहा ही नहीं। रामायण की बात तो करते हैं, काम की बात नहीं करते। देखा आपने, कितनी बदतमीजी से बात कर रही है। उसको इल्जाम देने से कोनो फायदा नहीं है, सारा कसूर तुम्हारा है। अमावस की रात उसको जन्म दिया, हमारी जिंदगी का अमावस बना रही है। चला। मैं तेरी परेशानी समझ गई राधा। अरे मेरी बहन को भी यही परेशानी थी, लेकिन भाई जी के कहने से उसने अपने मर्द को ढेर सारी सिंह की फल्ली खिलाई। हाँ उससे क्या होता है? अरे सिंह की फल्ली बहुत गर्म होती रे, अगर एक महीना सिंह की फल्ली किसी मुर्दे को खिलाएंगे ना, परनो भी उठकर अपनी पत्नी को ढूंढेगा। एक काम कर रहा था, आज ढेर सारी सिंह बना के अपने मर्द को खिला दे, फिर देख क्या क्या होता है। ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। हे भगवान, आज की रात को मेरे अरमानों को पूरा करने वाली रात बना दे। ये सींग के फूलों की भाजी, ये सींग तली हुई, ये सींग के कबाब, ये सींग फली वाली दाल, ये सींग का कोरमा और ये सींग के पत्तों की भाजी। ये सब कुछ क्या है? हर एक चीज में सींग की फली। दो दिन से बच्चे के पेट में बादी हो रही थी ना, तो वैद्य ने कहा कि घर में खूब सींग की फली पकाओ तो उसकी खुशबू से इसकी तकलीफ दूर हो जाएगी और ये सो जाएगा, इसलिए आज मैंने हर चीज में सींग की फली डाली है। हाँ। लो बेटा, सुंगो 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 सुंगो। मैंने इसको पहले सुंगा दिया है, तुम खाना खाओ, सब कुछ खाओ ना।
क्या बात है जी, आज नींद नहीं आ रही क्या? बड़ी अजीब बात है, रोज तो लेटते नींद आ जाती थी, आज कुछ अजीब से बेचैनी हो रही। बेचैनी से मतलब? पता नहीं, पसीना छूट रहा है, कपड़े चिपक रहे हैं। ए, आपने अपनी साड़ी कहाँ छोटी करो? मैं जानबूझ के थोड़ी कर रही हूँ, नींद में इधर उधर हो जाता है। दूसरी तरह से भी बस। बच्चा रो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा क्या? उठकर झुला क्यों नहीं देते? मुझसे कहने के बजाय तुम खुद क्यों नहीं झुला देती? तुम उसके करीब हो, उठो और झुला दो। मैं नहीं उठ सकता। क्यों? मैं नहीं उठ सकता, बस नहीं उठ सकता, क्योंकि वो मत पूछो। ठीक है, तो फिर मैं लेटे लेटे लोरी गाकर सुला दूं? कुछ भी करो। अच्छा, मैं गाकर सुलाती हूँ। ये कोई गाना? ये लोरी है। ये लोरी वोरी नहीं है, मैं सब जानता हूँ क्या है। ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। देखो बच्चा सो गया। हाँ हाँ सो गया, लेकिन तुम इस किस्म के गाने मत गाओ, मुंह घुमाओ और सो जाओ। अरे चुप हो जा मेरे बाप, ये क्या चुप हो गई? तू शुरू हो गया, इस उम्र में ऐसे गाने सुनेगा क्या? कितने जालिम हो, तुमको ये गाना पसंद नहीं तो बच्चे को क्यों रुलाते हो? गाओ। हाँ गाओ।
क्या करो भाई, हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए सर। पानी चाहिए तो फिर से बुलाइए, हम बोलेंगे राधा की गलती है। चलो उठो उठो, देखो इसकी अब कोई जरूरत नहीं, लेकिन आइंदा कोई भी मस्ती कोई बदमाशी नहीं करेगा, ठीक है? चलो जाओ जाओ। मास्टर जी, शाम को आपके घर खाना खाने आऊं जी? चलो ना बेटा। माँ जी, आप आप घर चलिए, छुट्टी होती मैं सीधे घर आता हूँ। ये क्या है? ये तुम्हारी पहली पत्नी की जेवरात और कपड़े, देख लो सब ठीक है या नहीं। मैंने आपसे ये सब चीजें मांगी हैं क्या? मांगी नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारी चीज हम कैसे रख सकते हैं? इतने दिनों तक हमने सिर्फ इसलिए संभाल के रखी कि शायद हमारी छोटी बेटी तुम्हारी दूसरी पत्नी बन जाए, लेकिन अब तो कहानी ही बदल गई। आपको असलियत नहीं मालूम, आपको पता नहीं किन हालात में मेरा ब्याह हुआ। किसी तरह भी हुआ हो, लेकिन हो तो गया ना। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि तुम अपनी पत्नी से कह दो कि जब भी हम अपने नवासे को देखने आए तो हमें इनकार ना करें। फिजूल की बातें मत कीजिए, आपको कभी कोई रोक सकता है? ये कपड़े और गहने ले जाइए, शांति के ब्याह में काम आएंगे। नहीं, हमें ये जेवर ये कपड़े नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ हमारा नवासा चाहिए, हम उसे पालेंगे। बेटा, ये मत सोचना कि मैं किसी की बुराई कर रही हूँ। कोई भी सौतेली माँ शुरू शुरू में सौतेले बेटे को बहुत प्यार करती है, लेकिन जब उसकी अपनी औलाद हो जाती है तो सौतेले पर मुसीबतों का पहाड़ डाल देती है। मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जाइए। अरे राधा, भगवान का शुक्र है कि भाई जी के कहने से मेरी बहन शीला का मर्द है ना, वो जरा काबू में आ गया, उसको सताना कम कर दिया। नहीं तो रघु भाई एक रात भी आराम से सोने को नहीं देता था। उसे शिकायत है कि उसका पति उसे हर रात सताता है, और मेरी शिकायत ये है कि मेरे पति ने मुझे आज तक सताया ही नहीं। हा? सताया नहीं? अरे तेरी अभी अभी तक नई नई शादी हुई है, एक बार भी नहीं सताया क्या? एक बार भी नहीं? नहीं। साला। उनका ये कहना है कि उन्होंने कोई व्रत रखा है, इसलिए 3 महीने तक मुझे दूर रहने के लिए कहा है। इसीलिए तू हर रोज रात को सोने से पहले ठंडे पानी से स्नान करके सोती ना? अयो बेचारी, अरे तू कैसा बर्दाश्त करती थे? अगर मेरी शादी होली होती ना तो मैं तो बर्दाश्त नहीं करती। दीदी, हाँ, मास्टर जी ने ये बक्सा आपके लिए भेजा है। इसमें क्या है? गहने। देख तो जल्दी देख। अरे कभी अपनी बिटिया की खबर ली है? आजकल क्या कर रही है, कैसी वो पता चलाया कभी? अरे शीला, मीना, चंपा, जरा जल्दी जल्दी आओ, देखो मेरे पति ने किस तरह मुझे गहनों से लाद दिया है। हाँ क्यूरी, सच कह रही है? ये गहने तेरे पति ने दिए हैं या तेरे पिता के दहेज के हैं? अरे जाजा, मेरे पिता की इतनी हैसियत ही कहाँ जो मुझे इतना कीमती दहेज दे सके। ये गहने तो मेरी स्वर्गवासी दीदी के हैं, मेरे पति ने अपने हाथों से पहनाकर मुझे सजाया है। मालूम यहाँ कहाँ बैठ के राल टपका रही हो, जाओ बाहर जाके देख लो ना आंगन में। अजी
तुम क्या समझते हो मुझे तुम्हारी इज्जत का ख्याल नहीं है? मैं उसे देखने क्यों जाऊं? अरे तुम तो बुद्धू हो, वो पता हुआ काय खड़े होकर चिल्ला रही है ताकि हम बाहर जाएं, उसका चटक मटक पाना जी खोल के देखें। जब तक तुम बाहर जाओगी नहीं वहाँ से टलेगी नहीं, जाओ जाके देख लो। तू बड़ी भाग्यवान है राधा। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे रे रे रे, ठहर 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 बेटी ठहर, कितनी सुंदर लग रही है बेटी, जल्दी से घर जा और जो भी मिले उसे कह तेरी नजर उतारे, मुझे तो डर लग रहा है कहीं मेरी नजर ना लग जाए। तुम भी तो पिछले 30 साल से अपने पति के साथ रह रही हो, क्या सुख मिला है तुम्हें? कभी तुम्हें इस तरह सजाया गया नहीं। मुझे देखो, शादी हुए अभी 3 हफ्ते भी नहीं हुए, मेरे पति ने मुझे सोने में पीला कर दिया। बेटी तू खुश रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहाँ गए वो गाँव के मुखिया जी, दिखाई नहीं दे रहे? मुझे देखकर छुप गए क्या, या बाहर आते हुए शर्म आती है इसीलिए अपनी पत्नी को बाहर भेज दिया? ए, अभी बहुत हो गया हा? और यहीं खड़ी नचनिया करती रहेगी तो शाम हो जाएगी, गांव में बहुत घर है, हुआ जाए के बिजेवर की नुमाइश कर, चल भाग 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 भाग। हाँ हाँ जा रही हूँ, मैं यहाँ रहने थोड़ी आई हूँ, मेरा भी घर है, पति है, बच्चा है, तुम क्यों चल रहे हो? सुनो, कम से कम बाजार जाने के बहाने तो आ जाओ, अपनी बेटी को एक बार तो देख लो। वो नहीं आएंगे, अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो इन गहनों की चमक से उन्हें मलेरिया हो जाएगा, इसलिए पहले से ही दवाइयां मंगा कर रख लो। हाँ मैं जाती हूँ। माँ बच्चा पैसा निकल गया। हाय राम हाय राम, कैसे निकल गया? माँ मेरे पास 2 10 पैसे के सिक्के थे, एक ये निकल गया। अरे बेटे तू कर, बेटे तू कर, आ कर। पुष्पा पुष्पा, ए पुष्पा बच्चा इधर ला। अरे ऐसे घूर घूर कर क्या देख रही है, बच्चा मेरे पास ला। मगर बच्चे ने, तू चुप रह, उनका बच्चा वो लेने आई, ले जाने दे। देखो मेरे और मेरे पति के बीच में 1000 झगड़े हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारा बच्चा ही लेके चली जाओ। अब ये बच्चा शाम तक मेरे पास रहेगा और हर रोज उनके आने से पहले तुम ले आया करो, ठीक है? सुनो अगर उन्होंने पूछा तो कहना कि बच्चा तुम ही संभालती हो, और कभी तुमने कहा कि बच्चा मेरे पास रहता है तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, समझ गई? ना बाबा ना ना ना, ना। समझ गई ना? मेरा राजा बेटा, जब तेरी माँ जिंदा है तो तुझे किसी और के पास रहने की क्या जरूरत है? वो किराए की औरत माँ से बढ़ के देखभाल कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। जब तू बड़ा हो जाएगा ना तो मैं तुझे बस ड्राइवर बनाऊंगी, नहीं नहीं इंजन ड्राइवर बनाऊंगी। अच्छा चलो जो भी बनाऊंगी, मगर मास्टर नहीं बनाऊंगी, मास्टर गंदे होते हैं तेरे बाप की तरह। तू जल्दी से बड़ा हो जा, फिर अपने बाप से कहना खबरदार जो मेरी माँ को सताया तो, कहेगा ना मेरा राजा बेटा। ए राजा, खैर ये क्या है, ये बच्चे के मुंह से झांकर निकल रहा है। अरे ये तो गड़बड़ है, बैठी के बाद ले चलना चाहिए। चल 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 चल। बच्चे ने पहले कहा खा लिया, एकदम बेहोश हो गया, जरा देखो तो। बात बच्चा ठीक था, क्या कर दिया तुमने? किसने कहा तुमसे कि पुष्पा के घर से बच्चे को ले आओ? जरूर तुमने कुछ ना कुछ किया होगा। अपना लड़ाई झगड़ा बाद में करना, पहले ये बताओ बच्चे ने खाया क्या है? मुझे क्या मालूम, मैं तो स्कूल में था, इन लोगों को भागते देखकर इनके पीछे आ गया, तुमने कोई उल्टी सुल्टी चीज खिला दी उसकी। अब चुप क्यों खड़ी हो, बोलती क्यों नहीं? क्या है जो गलती करता है वो चुप ही रहता है मास्टर जी? वैदिक जल्दी कुछ कीजिए ना, बच्चे के चेहरे का रंग बदल रहा है। धीरज रखिए सर, घबराइए नहीं। नहीं शोभा जी, आप नहीं जानती आज मेरे बच्चे की जो भी हालत है ना, ये सिर्फ इस औरत की वजह से है। उस दिन इसने पंचायत में भी बच्चे को भलांग कर झूठी कसम खाई थी, और मैं उसी दिन समझ गया था कि मेरे बच्चे पर किसी ना किसी दिन कोई कोई ना कोई आफत जरूर आएगी। ये मेरे बच्चे की जिंदगी में यमदूत बनकर आई है। झूठी कसम खाकर किसी बच्चे को फलांगना किसी का खून करने से भी बढ़कर होता है। ये हरकत करते समय तुम्हें बच्चे पर जरा भी दया नहीं आई? तू औरत जात होकर भी इतनी पत्थर दिल निकली राधा, अपनी जिद पूरी करने के लिए तुम एक मासूम बच्चे की जिंदगी से खेल गई,
हाँ देखो ना, दूसरे का बच्चा है ना, अपने पेट से जन्म दिया होता तब इसका कलेजा दुखता ना। दुर्गा मैया, मैं मानती हूँ कि मैं झूठी कसम खाकर बच्चे के ऊपर से गुजर गई थी। उसकी सजा मुझे दो, मेरी जान ले लो, मगर बच्चे का जीवन बचा लो माँ। झूठी हरामखोर, झूठी कसम खा के बच्चे को फलांग दी थी, हम गला घोट के मार डालेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? इसका गला घोटने से बच्चा थोड़े ठीक हो जाएगा। अरे हम इसको जान से मार डालेंगे। वैजी, हो सकता है राधा ने बच्चे को कहीं लापरवाही से छोड़ दिया हो और बच्चे ने कहीं कुछ निगल लिया हो। इसके गले में तो देखिए, कहीं इसके गले में कुछ अटक तो नहीं गया? बेटा ना रो मत, सब ठीक हो गया। राधा लो, अब ये बिल्कुल ठीक है, इसका ठीक से ख्याल रखना। हाँ मेरा ख्याल ठीक निकला ना, इसने लापरवाही की और बच्चा पैसा निकल गया। हाँ जी, ये तो पहले से ही लापरवाह है, शरारत हंसी मजाक यही तो आता है इसको, बच्चा बालना ये क्या जाने। इसकी वजह से हमारे गांव की पंचायत बदनाम होकर रह गई। गलती हम लोगों की है जो हमने इसकी बात पर विश्वास किया, क्योंकि ये हमारे गाँव के मुखिया की बेटी है। जी आपने मेरे बच्चे को बचा लिया, मैं जिंदगी भर आपका कर्जा नहीं उतार सकूंगा। अरे छोड़ो छोड़ो मास्टर जी, ये तो मामूली सी बात थी। उस दिन आप लोगों ने हाथ जोड़कर मुझे मजबूर किया कि मैं आपकी बेटी से शादी कर लूं, लेकिन आज आपकी बेटी मेरे बच्चे की जान की दुश्मन निकली। अब मैं उसके साथ एक पल भी नहीं रह सकता, आप अपने घर ले जाइए उसे। अरे चल चल, कहाँ जा रही है? चल सीधे चल, मार मार सब उठो से इधर। तुम हमारे गांव के तो लगते नहीं हो। ढाबे वाला बंसीलाल? मैं बंसीलाल नहीं हूँ, उसका दादा हूँ चंपकलाल। भूत? नहीं नहीं, चंपकलाल मगर वो तो कब के मर चुके हैं, मैंने स्वयं उनका क्रियाकर्म किया है। बालक है? जब हमें मालूम चला कि एक जवान कन्या इस गांव में पढ़ाने के लिए आई है तो हम शमशान घाट से सीधा उठकर इधर टपक पड़े। अब जब क्लास की घंटी बज जाएगी तो हम सीधा जाकर शमशान घाट में वापस लेट जाएंगे। भूत भूत, अरे क्यों लूप बनाते हो? हैं पंसी लाल, चुप हो जा। बिल्कुल आवाज नहीं। हाँ तो मेरे प्यारे बुड्ढो, आप सब लोगों के पास लेटे हैं। ओके ओके ओके, अब मैं आप लोगों को आपकी अकल के अनुसार पढ़ना लिखना सिखाऊंगी। जिनको बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता वो हाथ उठाओ। तू हाथ नीचे कर। क्यों 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 क्यों? पंडित है, विद्वान है, ज्ञानी है, तुझे सब कुछ मालूम है। अबे चंपक लाल के भूत, तू सब जानता है, मैं भी सब समझता हूँ बेटा। हाँ कुल मिला के 10 है जिनको बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता, बाकी लोग तो थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। अब जिन लोगों ने हाथ उठाए हैं वो एक लाइन बनाओ। इस मास्टर ने लाइन क्यों लगवाई है? पढ़ाने की। साफ बात है। तुम लोगों को पढ़ना लिखना तो आता नहीं, मास्टरानी जी को तुम लोगों को पढ़ाने लिखाने में बहुत तकलीफ होगी, इसलिए लाइन में खड़ा करवाया है बाहर निकालने के लिए। क्यों मास्टरानी जी? बिल्कुल नहीं। नहीं, जिन लोगों को बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता मैं उनको पहले पढ़ाऊंगा। चलो चलो अब बारी बारी मेरे पीछे आओ। ये अपनी स्लेट रखो और ये पकड़ो चौक, मैंने अ लिखा है अब तुम वैसे ही लिखो। चलो मासनी, हमें लिखना नहीं आता। आप एक काम करो, हमारा हाथ पकड़ के हमें हमें लिखाओ ना। चलो आ
की स्लेट लो और वैसा ही वहाँ बैठ कर लिखो। चलो 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 चलो। हाँ जी दूसरा। चलो आओ। लग गया मेरा भी नंबर लग गया। मैंने अ लिखा है। हाँ। अब इसी के ऊपर लिखने की कोशिश करो। मास्टरानी जी उसका तो हाथ पकड़ कर आपने लिखवाया था, तो मेरा भी हाथ पकड़ कर लिखवाई है। नहीं, 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 नहीं। चलो लिखो इसके ऊपर। मैं तो देखिए उससे भी ज्यादा बुढ़ा हूँ। देखिए मेरा हाथ कांपता है, मैं कैसे लिखूंगा ये। नहीं पुजारी, नहीं पुजारी, तुम्हारा मंदिर में पूजा का वक्त हो रहा है, चलो यहाँ से। अरे चलो लाल के भूत, तू बाहर आ, तू बाहर आ। चल 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 आए। चलो तीसरा। ये देख 10 पैसा, इससे खेल रोमा। अरे तेरा सत्यानाश हो कमबख्त, तूने फिर वही हरकत शुरू कर दी। मैंने तुझे कितनी बार मना किया कि पैसे लेके इसके साथ मत खेला कर, सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। उस दिन तेरी वजह से इसने 10 पैसे निगल लिए थे और मैंने राजा तुम पर इल्जाम लगाकर अपने आप को बचा लिया था। अगर दोबारा पैसे के साथ खेला तो देखना। पुष्पा बच्चा यहाँ लाओ, ये लो अपना हिसाब किताब, कल से बच्चा संभालना बंद। मास्टर जी एक बार गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बच्चा पैसा निकल गया, मुझे इस बात का दुख नहीं है जितना कि तुमने राधा पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे दुख दिया है। मास्टरानी जी, जिस दिन हमारे मास्टर जी के बच्चे की जान खतरे में थी ना, उस दिन इसने मन ही मन प्रार्थना की थी कि अगर बच्चे की जान बच गई तो इस मंदिर में जमीन पर लौटेगी, तभी तो बच्चा बच गया। चलो अब बच्चों के लिए खाना खत्म हो गया, आपने अपने घर जाओ और खाना खाओ। अरे इतनी जल्दी खाना कैसे खत्म हो गया? चुप है, बैठ जा। क्या सचमुच हमारे लिए खाना नहीं बचा? नहीं। क्यों नहीं? नहीं बोला तो नहीं। मैं मास्टर जी से शिकायत करूंगा। पढ़ा है मास्टर जी का बच्चा, हट। अरे भाई क्या हो रहा है, बच्चों पर क्यों बिगड़ रहे हो? मास्टर जी बच्चे बोलने के खाना अच्छा नहीं है। मास्टर जी आदमी झूठ बोलता है, 20 बच्चे भूखे बैठे, किसी को खाना नहीं मिला। क्यों भाई 20 बच्चों को खाना क्यों नहीं मिला? मास्टर जी जो पहली लाइन में बच्चे बैठे थे उन सब ने डबल डबल खाना खा लिया है। मास्टर जी डबल डबल सब गलत है, ये आदमी 2 चम्मच चावल लेता है फिर कैसे खत्म हो सकता है? ये लोग पिछले हफ्ते से ऐसे ही कर रहे हैं। मास्टर जी कोई इन लोग से पूछे तो ये मानने लगते हैं। 20 बच्चों का खाना कैसे कम हो गया इस बात का जवाब दो। चल राजू अपना काम है सिर्फ खाना बचाना, खाना कम क्यों हो गया इसकी जवाबदारी हमारी नहीं। चल मास्टर जी इधर आइए सुनिए। ये खाना लाने का गोलमाल काम जरा होशियारी के साथ करते रहना। जाओ अब। बच्चों को भूखा रखकर उनका खाना बेचकर चोरी की कमाई खाते हो? ए मास्टर अपन के काम में टांग ना अड़ाओ, हटो सामने से। Thank you.
मास्टर जी होटल में मारा मारी कर रहे हैं। साले तेरी जात का बेटा मारू। मेरे पति को दिन भर कितना काम रहता है और इनके पास इतना समय ही कहाँ कि अपनी पत्नी को सिनेमा दिखाने ले जाएं। अच्छा, उनको फुर्सत नहीं था, जाने दे, तू मेरे साथ चल। तू तो अकेली है, मैं तो घर की रस्ती वाली हूँ। अरे बाबा चाचा, मुझे नहीं देखनी फिल्म विल्म। अरे क्या हो रहा तुझे, तू और पिक्चर को मना करती? अरे पहले तो खाना नहीं खाती थी मगर पिक्चर जरूर देखती थी, आज बोलती नहीं देखूंगी। क्या हुआ, घोड़े के सिंह निकल आए क्या? साल तू उधर शादी के बाद एकदम इज्जत बदल गई। वो दिन कुछ और थे। क्यों? बचपना था, बचपना हमेशा थोड़े ही साथ रहता है। अपने पति का दिल जीतने के लिए मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, उनका अपमान किया, उनके घर को छोड़कर पति के घर चली आई। अब पति के घर में जीना है, यहीं से मर के निकलना है। ना बाबा ना, मुझे सिनेमा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी सुबह सूरज निकलने से आधी रात तक मेरा सारा वक्त इनकी सेवा में ही गुजर जाता है। इनके लिए चाय बनाना, नहाने के लिए पानी गर्म करना, खाना बनाना, इनके कपड़े धोना, आटा पीसना, बस मुझे इनकी सेवा में ही खुशी मिल जाती है, दिल भर जाता है मेरा। फिर सिनेमा देखने की क्या जरूरत है, भाड़ में जाए सिनेमा। ना बाबा ना, मुझे नहीं देखना, तू जा जा। दादा कॉफी बना रही हूँ, अभी देती हूँ। कॉफी नहीं चाहिए, तुम तैयार हो जाओ, सिनेमा जाएंगे। ये नहीं, ये ठीक है। टाइम टाइम टाइम, बाप रे, ये लो, ठीक। ओह बाप रे, तेरी हो गई है। सुनिए, जल्दी आइए, सिनेमा को देर हो रही है। अरे शीला, शोभा, मैं, मेरा बच्चा, मेरा पति, तीनों सिनेमा देखने जा रहे हैं। जल्दी दरवाजा बंद कीजिए ना। Thank you.
दीवार की कील ढीली हो गई, इसलिए तस्वीर गिर पड़ी। मैं कल सुबह ही नया शीशा लगवा दूंगी। चलो चले। नहीं नहीं, एक मिनट, मैं जमीन से कांच के टुकड़े साफ कर दूं, फिर चलते हैं। अरे उषा, मैं और मेरे पति सिनेमा देखने जा रहे हैं। अरे सुनो सुनो, मैं और मेरा बच्चा और मेरे पति सब सिनेमा देखने जा रहे हैं। एक मिनट, मैं अपने पिताजी के घर होकर आऊँ, उनसे कहकर आती हूँ कि हम सब सिनेमा देखने जा रहे हैं। सारे गांव में ढंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, चुपचाप चले चलो। अरे आशा सुन सुन, मेरे पिताजी के घर जाना, उनसे कहना हम सब सिनेमा देखने जा रहे हैं। अच्छा, भूलना मत। ठीक है। हे भगवान, ये क्या हुआ रे, तेरी आंख सूजी हुई क्यों है? इसकी सौतेली माँ ने इसको जली हुई लकड़ी से मारा। सत्यानाश उस औरत का। चाची, इसकी सौतेली माँ अपने बेटे के लिए नई चप्पल लेकर आई तो इसने कहा मुझे भी दिला दो, बस एकदम गुस्से से लाल पीली हो गई और जली हुई लकड़ी से मारा बेचारे को। अब क्या बोलना, मैं उसी दिन समझ गई कि इसकी सौतेली माँ आ गई, इसकी तकदीर में यही होने वाला है। इसमें उसका क्या दोष है, शुरू शुरू में तो वो इसे अपने बेटे की तरह प्यार करती थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना बच्चा जना उसकी नजरें फिर गई, बेचारे पर साढ़े साथी आ गई है। हर रोज जूते से मार खाता है या फिर जली हुई लकड़ी से पिटाई होती है। संसार में ये मामूली बात है, हर सौतेली माँ ऐसा ही बर्ताव करती है। भगवान बच्चे को मौत दे दे पर सौतेली माँ ना दे। मेरे सर में बहुत सख्त दर्द हो रहा है, फिर कभी चलेंगे। दादा, क्या हुआ, बर्तन क्यों गिरा रही? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं गिराया, बस मेरे हाथ से बर्तन छूट गए। क्या जिंदगी है मेरी भी, मर मर कर अच्छा करने की कोशिश करो, उसमें बुराई निकल ही आती है। ऐसे रोज मरने से तो बेहतर है कि भगवान एक ही बार दुनिया से उठा ले, झंझट ही खत्म हो जाए और दूसरों की जान भी छूट जाए। हे, जो कुछ कहना साफ साफ कहो, ये गोलमोल घुमा फिरा के बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं गोलमोल और घुमा फिरा कर बातें कर रही हूँ? अरे मैं तो कम अकल बेवकूफ गांव की गवार लड़की हूँ, मैं क्या बातें बनाऊंगी। पहले अपने साथ सिनेमा ले जाने के लिए कहकर अपनी पत्नी को खुश कर देते हैं, फिर बीच रास्ते में सर दर्द का बहाना बनाकर घर वापस ले आते हैं। गोलमोल बातें इसको कहते हैं जी। एक मामूली सिनेमा ना देखने से तुम्हें इतना दुख पहुँचा है कि चेहरे से चिंगारियाँ टपक पड़ी? मेरे चेहरे से क्या चिंगारियाँ टपकेंगी जी, चिंगारियाँ तो मेरी तकदीर में भरी हुई है। इतने दिनों में क्या सुख मिला है मुझे, जब से शादी की है मैंने कभी कोई साड़ी फूल या नमक तक मांगा है, ऐसे घर चला रही हूँ। आज तुम्हारे साथ सिनेमा जाने का एक मौका मिला, खुशी से मेरे कदम जमीन पर नहीं टिक रहे थे, लेकिन तुमने मेरी एक छोटी सी खुशी भी छीन ली। क्या हुआ? हाँ? अरे क्या हुआ? कुछ भी हो, तुम्हें इसे क्या मतलब? उल्टी आए। हे राम, आप तबीयत कैसी है? तुम वैजी को बुलाने गए थे? नहीं नहीं, तुम वैजी को बुलाने गए हो ये समझकर मैं बहुत खुश हो गई थी, लेकिन इस घर में मेरे लिए खुशी कहाँ, सिर्फ रोना जलना आंसू बहाना, यही मेरी तकदीर में लिखा है। क्या पागल जैसी बात कर रही हो, मैं तो तुम्हारी माँ के पास गया था ये कहने के लिए कि तुम उल्टियाँ कर रही हो, जल्दी आए। माँ, माँ से तुमने क्या कहा? यही कि राधा उल्टी कर रही है, उसे जल्दी आकर देखो। हे भगवान, ये एक और दुख झेलना बाकी रह गया था, वो भी पूरा कर दिया। मैंने क्या किया है? क्या किया? हाँ। हमारी शादी को छठा महीना चल रहा है ना। हाँ। गांव के सब लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि राधा को कुछ ठहरा कि नहीं ठहरा, अब जाकर तुमने कह दिया कि तुम्हारी बेटी उल्टियां कर रही है। अरे कहीं वो ये ना समझ ले कि उनकी बेटी माँ बनने वाली है। हाँ? अच्छा, तो यहाँ पर लोग उल्टी को उल्टी बात समझ कर उल्टा मतलब ही निकाल सकते हैं। और क्या,
उन लोगों को क्या मालूम है कि तुम्हारे और मेरे बीच में पहले दिन से क्या नाटक चल रहा है। हाँ, क्या नाटक चल रहा है? आप जाकर उन लोगों को रोको, वरना वो लोग कहीं बारात लेकर ना आ जाए। जल्दी जाओ। अरे मौसी, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अरे मारे रूपा बाबा, अरे मुखिया जी, मेरा भोजन पक्का, मेरा भोजन पक्का है, मैं पहले से कह रहा हूँ। हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुम वहाँ पर गए नहीं हो उनको रोकने के लिए? हाँ, अरे राधा राधा, जीते रहो बेटा, जीते रहो, भगवान तुमको बचाए। जी हो बेटी। अरे देख रहे अपने मर्द को, सब कुछ करके भी कैसा अनबन बन के खड़ा है। जी हो बेटा, जी हो, तुम इस बूढ़े मुखिया को दूसरा जन्म दे दिया हो बेटा। अरे मुखिया जी, आज के शुभ दिन क्या सुंदर समाचार सुना है, आज तो सारे गांव को जी भर के भोजन कराना हो। अरे मरो नहीं, पेट भर के कराएंगे। बेटी, खुशी से मेरा कलेजा तो फटा जा रहा है। जाहिर बात है, तुमको तो खुशी होनी चाहिए, वरना गांव वाले इन दोनों के बारे में कैसी कैसी बातें करते थे। कहते थे इसकी बच्चेदानी कमजोर हो चुकी है, इसको बच्चे कैसे ठहर सकता है। अरे वो तो ठीक, परसों वो दूध वाली क्या बोल रही थी मालूम? बोल रही थी कि राधा ने झूठी कसम खाकर बच्चे को फलांगा था ना, इसीलिए अब उसे जिंदगी भर औलाद का सुख नहीं मिलेगा। बेटा, सारा गांव जाना थे कि हमारी बिटिया कितना घोर अपराध किया, तोरे ऊपर इल्जाम लगाया, फिर भी तुम उसको स्वीकार किया, पत्नी बनाया, उसकी गोद में औलाद का सुख डाला। तुम बहुत महान हो बेटा, बहुत महान हो। हरे राम, कितने मतलबी हो तुम सब लोग। दुख और बीमारी में तो आधी रात को मेरे घर का दरवाजा खटखटाते हो, और जब खुशी का मौका आया तो मेरे घर का पता ही भूल गए। अरे चलो, ज्यादा ठोकम ठाक नहीं करो, बिटिया की जांच करो। चलो आइए ना भाई जी, जितना पैसा चाहे लेना, हमारी राधा को अच्छी तरह से देखना। अरे तू बच्चों की तरह रो रही है, ये कोई रोने की घड़ी है? अरे घबरती क्यों है, आजकल डॉक्टर के पास ऐसे औजार आ गए कि बच्चा पैदा होते वक्त मालूम ही नहीं पड़ता। अरे खबर मत, बताइए ना वैद्य जी, लड़का है या लड़की? अरे कहाँ मुंडी झुका के बैठे हो, बोलो ना क्या बात है। अरे क्यों वैद्य जी, तुम्हारा देसी इलाज गूंगा हो गया क्या? बता नहीं पा रहे हो क्या होने वाला है, हमारा टेम हो रहा है। मैं इसलिए खामोश हूँ कि ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये उल्टियाँ गर्भ की वजह से नहीं बल्कि पित्त की वजह से हो रही है। चलो बैठे क्या, चलो। Thank you.
सबको है ये गिला, हालात के हाथों मजबूर दिल मेरा। बुलबुल से बता जिसको है ये गिला, हालात के हाथों मजबूर दिल मेरा। हारा रो हारा रो हारा रो हारा रो। मैं ही बेवफा हूँ, दिल मिलते भी तो कैसे थे रास्ते जुदा। हम चाहे तो क्या होगा, तुम चाहो तो क्या होगा। है वक्त के हाथों में किस्मत का फैसला। हारा रो मजबूर दिल मेरा। भेदा मारू बच्चू, मैं तो तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। देखो, तुम गांव में अपने जिस्म की नुमाइश करके लोगों की निगाह अपनी तरफ खींचना चाहती थी ना, ये उसी का नतीजा है।
औरत का सिंगार और स्वभाव इस तरह होना चाहिए कि राह गुजरते मर्द की निगाह उसकी तरफ इज्जत से उठे। मास्टर जी हैं? इसमें है। क्या मतलब? मैंने अपनी आंचल की गांठ में उन्हें बांध के रखा है, खोल के निकाल लो और ले जाओ। बाप रे, तुमसे तो तुम्हारे पति अच्छे हैं। बात तुम्हारे और मेरे बीच में हो रही है, उनको बीच में क्यों ला रही हो? अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया जो तुम्हें एकदम गुस्सा आ गया? मुझे खुद नहीं मालूम, बस तुम्हारी एक झलक देखती हूँ तो मेरे अंदर आग सी लग जाती है। मुझे तुम जैसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। देखो वो सारा दिन तो स्कूल में रहते हैं, क्या वहाँ बातें करते करते तुम्हारा पेट नहीं भरता? जो घर पे बन ठन कर चटक मटक के साथ पहुंच जाती हो, जाने क्या नजर आता है उनमें तुम्हें। अब लो वो आ रहे हैं, अब जाकर उनसे मेरी शिकायत मत करना कि मैंने तुम्हें बुरा भला कहा। वैसे भी उन्होंने व्रत रखा है, तुम्हारी वजह से उनको मेरे से नफरत करने का और मौका मिल जाएगा। सुनो वो तुम्हें अंदर बुलाएंगे, चाय या कॉफी के लिए पूछेंगे, और तुम और मैं कहूंगी मैं पी कर आई हूँ और फौरन चली जाऊंगी, बस यही ना? चलो ठीक है, तुम्हें इतनी अक्ल तो है। देख नहीं रही हो कि मर्द घर में आ रहा है? साड़ी ठीक करो। शोभा आज अचानक स्कूल से छुट्टी क्यों ले ली तुमने? आज तुम स्कूल में नहीं थी तो स्कूल बहुत सुना सुना सा लग रहा था। आज एक खास बात है। क्या खास बात है? अपना हाथ लाओ। कैसी बात कर रही हो शोभा, बीच सड़क पर तुम मेरा हाथ मांग रही हो? अरे बाबा पहले अपना हाथ तो लाओ। लो। ये नहीं सीधा वाला। आज रक्षाबंधन है, तुमने जो मुझ पे एहसान किया है शायद मेरा सगा भाई होता तो वो भी नहीं करता। आज तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारी छोटी बहन। चलो अपनी बहन को कोई तोहफा दो। मुझे मालूम था कि जेब हल्की होने वाली है, ये लो 2 रुपए। 2 रुपए? क्या भैया इतनी कंजूसी, सिर्फ 2 रुपए? अरे मास्टर जी की जेब में महीने की आखिर में अगर 2 रुपए भी मिल जाए ना तो बहुत है। क्यों जी, इसने कितने प्रेम और श्रद्धा से तुम्हें अपना भाई कहा और तुमने कंजूस मक्खी चूस की तरह 2 रुपए निकाल कर हाथ पर रख दिए। 10-20 रुपए दे देते तो क्या तुम्हारा दिवाला निकल जाता? ये लो मैं इनकी तरफ से देती हूँ 10 रुपए, मुँह मीठा करो। बस 2 रुपए काफी है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें लेना ही पड़ेगा, तुमने मेरे पति को भैया कहा, जितना भी दे कम है। क्यों जी, ठीक है ना? अरे कमाल है, तुम मेरे घर पर आई हो और इतनी देर से बाहर ही खड़े खड़े बातें कर रही हो। अच्छा चलो अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए शरबत बनाकर लाती हूँ, वो पियो और ठंडे ठंडे इनसे बातें करो। मुझे बहुत जरूरी काम है और इनके साथ कुछ खास बात भी करनी है। तो करो ना, मैं क्या रोक रही हूँ? तुम दोनों एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ाते हो, स्कूल की काफी समस्याएं होंगी जो तुम दोनों को हल करनी पड़ती होंगी। तो मैं इनके साथ अकेले में बात कर लूं? अरे पगली, अब तुम दोनों भाई बहन बन चुके हो, कहीं भी जाकर बातचीत करो, मुझे कोई इतराज नहीं। जाओ इसके साथ। सुनो भूलना मत, उसने तुम्हें भाई कहा है। चुप। देखो हो सकता है गांव के लोग तुम दोनों को एक साथ देखकर कुत्ते की दुम की तरह अपनी जबान हिलाना शुरू कर दे। परवाह मत करना, बस राखी दिखाते जाना। मैं अपने पति को अच्छी तरह जानती हूँ, और क्या। हाँ बोलो, क्या जरूरी बात करना चाहती है? तुम्हारी क्लास में गांव के पहले मुखिया का बेटा पढ़ता है ना? हाँ, पढ़ाई में कमजोर है, मैंने बहुत मेहनत की उस पर लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने भी उसके बारे में यही सुना है, कल उसके पिता आए थे, कहने लगे कि आप अगर उसे इस साल पास कर दे तो वो 2000 रुपए देने को तैयार है। तुमने क्या? मैंने कहा ये रकम तो बहुत कम है, कम से कम 5000 रुपए दीजिए तो शायद मास्टर जी राजी हो जाए। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि इस तरह पैसे लेकर बच्चे को पास करना ये भी कोई इंसानियत है? इंसानियत की जो परवाह करेगा तो वो जिएगा कैसे? हो सकता है पहले मास्टर ने भी किसी बच्चे से रिश्वत लेकर उसे पास कर दिया हो, तुम भी ऐसा कर लो। एक मास्टर ने गलती की हो तो क्या, दुनिया के हजारों मास्टर गलतियां करते फिरेंगे। अगर एक सौतेली माँ जालिम है तो आप ऐसा क्यों समझते हैं कि दुनिया की हर सौतेली माँ जालिम होगी? I'm sorry. ना गांव के पहले मुखिया मेरे पास आए थे, ना उन्होंने अपने बेटे के बारे में मुझसे बात की थी। सिर्फ आपको समझाने के लिए
मैंने ये झूठ बोला। देखिए सर, शादी से पहले हर आदमी यही चाहता है कि जिस लड़की से उसकी शादी हो वो कवारी हो। इसी तरह हर लड़की अपने पति के बारे में यही सोचती है। आपकी बीवी न सही लेकिन आपका बच्चा है सर। इसके बावजूद भी राधा ने आपको अपना पति चुना, आप फिर भी उसका अपमान कर रहे हैं। आप नहीं जानते सर राधा के दिल में आपके लिए कितनी इज्जत है, लेकिन आप फिर भी उस पर शक कर रहे हैं कि वो सौतेली माँ जैसा बर्ताव करेगी। ये कहाँ का इंसाफ है? ये मत समझिए सर कि स्कूल में साथ काम करने वाली टीचर का ये भाषण है, बल्कि ये समझिए कि राखी बांधने वाली बहन की एक विनती है। मैं चलती हूँ सर। अरे गांव की पंचायत को इस बात की बड़ी खुशी है कि तुम सब लोग बड़ा मन लगाकर शोभा मास्टरानी से पढ़ रहे हो। हैं? तुम्हारे जोश को देखते हुए सरकार ने तुम्हारी उन्नति और गांव की तरक्की के लिए शोभा से भी ज्यादा तजुर्बे वाली मास्टरानी को भेजा है। उसका नाम है रानी। रानी? वो अच्छी तो है ना? बहुत अच्छी है। उनकी उम्र क्या होगी? सिर्फ 90 साल। गाँव की पंचायत को तुम लोगों से आशा है कि इसी तरह मन लगाकर तुम लोग नई मास्टरानी से भी पढ़ोगे और गांव की इज्जत को बढ़ाओगे। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करने आई हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ बहुत मन लगाकर पढ़ाई की। अब मैं ये गांव छोड़कर जा रही हूँ। अरे आप सब लोग रो क्यों रहे हैं? इतने दिनों तक आपने हमारा हाथ पकड़ पकड़ के हमको लिखना पढ़ना सिखाया, अब तुम चली जाओगी, ये प्यार ये प्रेम हमारे साथ कौन करेगा? मास्टरानी। आप लोग चिंता मत कीजिए, ये रानी मुझसे भी अच्छी मास्टरानी है। मुझे आशा है जिस तरह आप मेरे साथ मन लगाकर पढ़ते रहे हैं उनके साथ भी ऐसे ही पढ़ेंगे। आइए रानी जी। नमस्ते बच्चों। अरे 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 ना 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 मेरा बाबा क्या हो गया? भूख लगी है? अच्छा अच्छा जा जा, ये लो तुम जरा बच्चे को संभालो, मैं दूध बनाकर लाती हूँ। बब्बा बब्बा बब्बा, अरे ठहर जा बेटा, दूध आता है, रोते नहीं बेटा। अरे एक मिनट में राधा, जल्दी करो, बच्चा बहुत रो रहा है। मैंने तो 8 बजे ही कहा था कि उसे उठाकर दूध पिला देती हूँ, फिर सुला दूंगी। तुमने कहा नहीं वो सो रहा है मत उठाओ। अब 12 बज गए हैं, भूख से तो चिल्लाएगा ही। राधा जल्दी करो, बच्चा रो रहा है, जल्दी लाओ ना दूध। नहीं नहीं नहीं, चुप 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 चुप, चुप हो जा बेटे, चुप हो जा मेरे बाप, चुप चुप, एक थप्पड़ मारूंगा। ये क्या, बच्चा भूख से चिल्ला रहा है, उसके साथ तुम क्यों चिल्ला रहे हो? जा दूध तैयार हो गया है, शक्कर डालकर बोतल में ले आओ, जाओ जल्दी जाओ। नहीं 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 नहीं, वाह 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 वाह, चुप हो जा, वो देखो वो देखो। अले ले, ओहो हो, अरे बाबा चुप हो जा ना, चुप हो जा, वो देख आ गया, आ गया, वो देख, क्या क्या हुआ? अरे क्या हुआ? निपल गिर गया। निपल घुमा दिया? हाँ। मुझे मालूम था तुम जल्दी में कोई ना कोई नुकसान करोगे। अरे बच्चा रो रहा है, किसी वक्त निपल घुमाना था। उफ़ो, मैं क्या करूं? अरे मैंने जानबूझकर थोड़ी गिरा है, हमका क्यों मेरा दिमाग चाट रही हो?
राधा यहाँ तुम इस बच्चे को हमेशा इतना ही प्यार करोगी तुम्हारा अपना बच्चा होने के बाद भी देखो मैं कोई राम भक्त हनुमान तो नहीं जो अपना दिल चीर कर तुम्हें दिखाऊं कि उसमें तुम और तुम्हारा बच्चा ही है और कोई नहीं तुम इस दुनिया में सिर्फ मुझ पर शक करने के लिए पैदा हुए हो और मैं रोने दुख उठाने के लिए यही मेरी तकदीर है वर्षों के बाद संतान का योग है धन्य हो पंडित जी धन्य हो अरे क्या धन्य हो दक्षिणा निकालो जय हो जय मैडम जय संतान अठन्नी कुत्ते का पिल्ला पैदा होगा नमस्ते पंडित जी आइए 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 मास्टर जी कैसे आना हुआ क्या शुभ समाचार लाए हैं वो बच्चे के कान छिदवाने हैं जी नहीं शुभ समय पूछना है शुभ समय सुहाग रात का मुहूर्त निकलवाना सुहाग रात का मुहूर्त किसका किसका मेरा और राधा ओहो धन्य धन्य पांच रुपए अरे वाह वाह एक क्या पांच पांच मुहूर्त निकालूंगा मास्टर जी दो दिन का अवकाश दीजिए ऐसा मुहूर्त निकालूंगा कि मजा आ जाएगा आप चलिए मैं घर पे आ जाऊंगा नमस्ते तुम इस बच्चे को हमेशा इतना ही प्यार करोगी तुम्हारा अपना बच्चा होने के बाद भी सरकार आम जनता के लिए ये ऐलान करती है कि पास ही के गांव भरतपुर में सरकार ने परिवार नियोजन केंद्र खोला है हर स्त्री और पुरुष उससे फायदा उठा सकता है राधा राधा मास्टर जी राधा तर बच्चा मेरे हवाले करके बस से भरतपुर गई भरतपुर क्यों अरे मास्टर जी वो तो बोल रही थी कि आप ही ने उसको किसी काम से भरतपुर जाने को बोला मैं तो चली बच्चा संभालो मैंने सरकार आम जनता के लिए यह ऐलान करती है कि पास के गांव भरतपुर में सरकार ने परिवार नियोजन केंद्र खोला है हर स्त्री और पुरुष उससे फायदा उठा सकता है आपका नाम राधा मास्टर जी इस मास्टर ने एक दिन मेरी वो हालत की थी कि सारा गांव मुझ पर हंसा था आज मैं इस हरामजादे की वो हालत करूंगा कि हंसने वाला तो दूर रोने वाला भी कोई नहीं मिलेगा चलो अंदर जाइए
राधा गंगापुर की, उनका ऑपरेशन हो चुका है, आप अंदर जाके मिल सकते हैं। घबराइए मत, हम ऐसे पेशेंट्स का ऑपरेशन करके अपने डॉक्टर पेशे का अपमान नहीं करते। मैं आपके खर्च की मुश्किलात और इनके कुंवारे शरीर के बारे में जान चुका हूँ, इसलिए ऑपरेशन नहीं किया, सिर्फ इंजेक्शन देके सुला दिया है। आधे घंटे में जाग जाएंगी, फिर आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। अरे राजा बेटा, आज का दिन तो बहुत शुभ है, आज के दिन तो चुप हो जा। अरे वाह, हमारा बेटा बहुत अकलमंद और होशियार है, तुम्हारे बोलते कैसे चुप हो गया। अरे चुप, ये कोई बोलने का वक्त है? मास्टर जी, ओ मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, कल आपने हमसे सुहागरात के शुभ मुहूर्त के विषय में पूछा था ना, तो हमने कई लग्न पुस्तकाएं देखी, बहुत सोच विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आपके मिलन की बेला का शुभ मुहूर्त आज से 3 दिवस पश्चात, जब चंद्रमा अस्त हो चुका हो, जब सिंह लग्न शुक्र की ओर निहार रहा हो और शनि सो चुका हो, तब है आपके सुहागरात के शुभ मिलन की बेला। शट अप, ये सब क्या है? स्त्री 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 जी, शुभ मुहूर्त हो चुका है, मेरा मतलब हो रहा है। लग रहा इस मामले में लगने पुस्तकाएं बेकार हैं। शुभ रात्रि स्त्री। अरे आप अभी तक यहीं जमे हुए हैं? अरे चलिए मेहरबानी करके जाइए। ए जी, वो लोग तो चले जाएंगे, आप आइए ना। देखिए मुझे बुला रही है। सुनिए, हाँ? इन लोगों को ये भी मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, आप आइए ना। अच्छा देखिए, मैं अपने काम पे चला, आप घर जाकर अपने काम पर लग जाइए। नमस्ते। नमस्ते। दो अंगारों की तरह अंगों में आग लगती है। नहीं रहता कोई नस नस में प्रीत जगती है।